हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू ग्लेंस एकेडमी। दोस्तों, आज की जो क्लास हम लोग कर रहे हैं, आपके यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2024 को ध्यान में रखते हुए जितने भी यूपीपीसीएस के पीवाईक्यूज थे, स्पेशली 2015 से लेकर 2023 तक के वो सारे पीवाईक्यूज जो प्रीलिम्स ओरिएंटेड थे या प्रीलिम्स के पेपर के थे, उनको हमने सब्जेक्ट वाइज अलग अलग सब्जेक्ट के साथ हमने कवर किया। जिसमें इससे पहले हमने ज्योग्राफी को कंप्लीट किया, पॉलिटी कंप्लीट किया गया, हिस्ट्री कंप्लीट हो गया, एनवायरनमेंट कंप्लीट हो गया, और लगातार इसी तरीके से आज हम लोग साइंस को कवर कर रहे हैं, जो 2023, 2022, 2021, 2020 इस तरीके से 2015 तक के जितने भी सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यूज थे, ये सारे हमने हैंड रिटन नोट्स तैयार करके जिसमें सारी डिटेलिंग है, सारे फैक्ट्स कवर किए गए हैं, सारे एक्सप्लेनेशन को कवर किया गया है, जिससे आपके और भी एक्स्ट्रा प्रश्न जो बन सकते हैं आगामी परीक्षा में, ये आरओ के लिए भी इंपॉर्टेंट है और पीसीएस प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं, और इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पे पहली बार आए हो तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आप लोग इसकी पीडीएफ को बाय करना चाहते हो या फिर और भी हमारे जो सोर्सेस चल रहे हैं या जो भी पीडीएफ हमारी जो कंटेंट है जो आपके स्पेशली यूपीएससी, यूपीपीसीएस और आरओ आरओ के लिए है, उसके लिए वीडियो के नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप सारी डिटेल्स ले सकते हो, या फिर मैं आपको डिस्प्ले पर भी ये नंबर नोट कर देता हूँ, 8527594636। वहां पर आप मैसेज करके मेरी टीम के द्वारा जो भी डिटेल्स दी जाएगी आप उसे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू किया जाए, 2023 के प्रीलिम्स के पेपर में साइंस के कितने प्रश्न थे और कौन कौन से प्रश्न थे, कैसे नेचर के थे, किसका वेटेज ज्यादा था, फिजिक्स का या केमिस्ट्री का या बायोलॉजी का या टेक्नोलॉजी का, इनको ध्यान में रखते हुए हम पीवाईक्यूज तैयार करेंगे। तो यहां पर आप देखोगे, यहाँ पर लिख रहा है कि व्याधि कौन कौन सी हुई है और उसके कारक क्या है। कारक का मतलब होता है कि किन फैक्टर्स से वो बीमारी होती है, और व्याधि का मतलब होता है बीमारी, जैसे पेप्टिक अल्सर। अब ये जो अल्सर होता है सामान्यतः हमारे पेट में होता है, अल्सर कहाँ पे होता है, पेट में होता है। जैसे हम लोग गैस्ट्रिक अल्सर की बात करते हैं, वैसे पेप्टिक अल्सर होता है जो हमारे ज्यादा जो है कि तीखापन या जो है कि ज्यादा ऑयली चीजें खाने से भी हो जाता है। सामान्यतः ये जीवाणु इसका फैक्टर होता है, बैक्टीरिया, इंग्लिश में इसको बैक्टीरिया कहते हैं, जीवाणुओं की वजह से हमारे बॉडी के अंदर पेप्टिक अल्सर देखने को मिलता है। डेंगू की बात करेंगे, डेंगू एक बुखार है जो कि मच्छर के काटने से होता है, और मच्छर में जो वायरस पाए जाते हैं विषाणु, उसके द्वारा होता है। फिर फील पाँव की बात करेंगे, फील पाँव को हम आम भाषा में हाथी पाँव भी कह देते हैं, ये गोल कृमि जो होते हैं ना, रिंग वॉर्म जिसको हम कहते हैं, उससे जो है कि तैयार होते हैं, मतलब उसके द्वारा होते हैं। और मलेरिया की बात करें तो हालांकि इसमें भी बुखार होता है और इसमें भी मादा एडीज मच्छर ही काटती है, लेकिन इसमें आपका जो प्रोटोजुआ होता है, क्या होता है, प्रोटोजुआ अर्थात परजीवी कह सकते हो, जो कि प्लाज्मोडियम प्रोटोजुआ के द्वारा होता है, यहाँ पर वायरस नहीं होता है। अगले प्रश्न पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा है। देखिए, बहुत आसान प्रश्न आते हैं, ऐसा भी नहीं है कि बहुत साइंस के बहुत टिपिकल प्रश्न आते हैं, बहुत ही बेसिक प्रश्न आते हैं, एक आध प्रश्न ऐसा होता है जो थोड़ा टेक्निकल हो जाता है, बाकी यूपीपीसीएस और आरओ आरओ में एवरेज प्रश्न आते हैं। जैसे पूछा गया, मानव हृदय कितने चैम्बर्स का होता है। अब सोचिए कितना आसान प्रश्न है, केवल 4 कोष्ठों का ही तो होता है। मानव हृदय हम जब भी पढ़ते हैं ना, 2 आलिंद 2 निलय होते हैं, तो इसमें जो है कि केवल 4 कोष्ठ होते हैं, 4 कोष्ठ। वहीं पूछा गया, कौन सी mRNA वैक्सीन है जो COVID-19 संक्रमण के विरुद्ध लगाई गई, तो इसको हम कह सकते हैं मॉडर्ना कंपनी की जो लगाई जा रही थी। यहाँ पे देखेंगे, नोवावैक्स USA द्वारा विकसित प्रोटीन आधारित टीका है, और स्पुतनिक रूस द्वारा विकसित वायरल विषाणु टीका है। अब हुआ क्या कि जब आपका COVID-19 के लिए जो वैक्सीन वगैरह तैयार की गई थी, तो उसके अलग अलग पैटर्न थे, तो यही प्रश्न पूछ लिया गया। अब यहाँ पर जो नोवावैक्स नाम की आपने वैक्सीन देखी थी, जो यूएसए ने डेवलप की थी, उसको डेवलप किया गया था प्रोटीन के आधार पे, कि जो वायरस में प्रोटीन पाए जाते हैं उसकी एंटीबॉडी के तौर पर इसे तैयार किया गया। वहीं स्पुतनिक जो कि रूस की थी, काफ़ी प्रभावी मानी जा रही थी, कि 900 रुपये की एक मतलब एक सीसी आएगी छोटी सी, जिसमें आप एक व्यक्ति को डोज दे सकते हो, लेकिन वो आई नहीं, भारत में इंपोर्ट नहीं हो पाई ज़्यादा। इसका भी जो विकसित किया गया, इसको वायरल विषाणुओं के आधार पे किया गया, और उसी तरीके से जो mRNA यानी मैसेंजर RNA की जो वैक्सीन थी, वो मॉडर्ना के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है आपका, किस प्रकार का टीका डिप्थीरिया से बचाता है। दोस्तों, तो डिप्थीरिया जो कि एक बीमारी होती है, बच्चों में सामान्यतः होती है, तो टैक्सोइड, इसको कहते हैं टैक्सोइड, और इस टीके में जीवाणु या विषाणु द्वारा बनाया गया विष या रसायन का प्रयोग किया था, यानी कि जो जीवाणु या विषाणु के द्वारा जो रसायन बनाया जाता है, विष बनाया था, उसका प्रयोग किया जाता ताकि डिप्थीरिया बच्चों को ना हो पाए। जैसे डिप्थीरिया हो गया, काली खांसी हो गई, टिटनेस हो गया, ये सब टीके लगते हैं बच्चों को, तो उस समय डिप्थीरिया के लिए स्पेशली पूछा गया। वहीं हंसाने वाली गैस का क्या नाम है, अगर आप लोग साइंस बैकग्राउंड से होंगे या नहीं भी होंगे, नॉन साइंस बैकग्राउंड से भी होंगे, तब भी आप लोगों ने 10th तक
पढ़ी होगी साइंस को, और लाफिंग गैस के बारे में जरूर पढ़ा होगा जिसको हम लोग नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं, और यह एक रंगहीन और गैर ज्वलनशील गैस है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, रंगहीन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये है कि क्या नाइट्रस ऑक्साइड गैर ज्वलनशील गैस है। बिल्कुल, अगर मान लो ये ज्वलनशील गैस होती और आप जैसे ही इसको सूंघते और सूंघने के बाद तुरंत हंसने लगते ना बहुत तेजी से, बहुत ज्यादा हंसी आती है, और अगर ये ज्वलनशील होती तो आपको भी जला देती। इसीलिए गैर ज्वलनशील है कि अगर कोई जीव जंतु या मानव अगर इसको सूंघ के हंसने लग रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जलने लगेगा, तो गैर ज्वलनशील हो गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वहीं अगर हम बात करें प्राकृतिक रेशम की बात करते हैं, यानी कि जो आपका नेचुरल रेशम है उसके घटक क्या होते हैं, तो उसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। रेशम के जो रेशे होते हैं वो फाइब्रोइन से बने होते हैं। किससे? फाइब्रोइन से बने होते हैं, और यह एक अघुलनशील प्रोटीन होता है, और इसी वजह से रेशम जो है कि घुलता नहीं है। वहीं रेशम ग्लाइसिन, सेरिन, अलैनिन के सभी घटक में नाइट्रोजन अभिन्न घटक के रूप में माना जाता है। तो रेशम हो गया ग्लाइसिन, मतलब ग्लाइसिन, सेरिन, एलेनिन के सभी घटक में नाइट्रोजन होता ही होता है, इसलिए नाइट्रोजन कंपलसरी होता है। आगे अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा हार्मोन अग्नाशय के लैंगरहैंस के आइलेट की बीटा सेल कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है? कई बार ये चीजें मैंने घटना चक्र के शॉर्ट नोट्स में भी पढ़ा है कि जो आपकी अग्नाशय के बीटा सेल जो होती हैं, जो हार्मोन वहां से सीक्रेट करती हैं, उनका नाम होता है इंसुलिन हार्मोन, और इसकी सबसे बड़ी उपयोगिता होती है कि डायबिटीज को कंट्रोल करती है, क्योंकि ब्लड के अंदर जो घुली हुई ग्लूकोज है उसका नियमन, उसका रेगुलेशन करना इसी का काम है। अगर मान लीजिए ये फेल हो जाए, इंसुलिन हार्मोन निकले ही ना बीटा सेल से, तो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती चली जाएगी, और जिसे हम कहते हैं कि व्यक्ति को डायबिटीज की बीमारी हो रही है। और अगर इंसुलिन हार्मोन निकलने लगता है बॉडी के अंदर, यानी अग्नाशय से, तो क्या होता है, वो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करता है, जिससे डायबिटीज की प्रॉब्लम कम हो जाती है। तो इंसुलिन हार्मोन के अभाव में डायबिटीज ज्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि ब्लड में घुली हुई जो ग्लूकोज है उसका रेगुलेशन नहीं हो पाता है। आगे देखते हैं, कौन सी नोबल गैस होती है? तो नोबल गैस के बारे में सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि यह एक अक्रिय गैस होती है, क्योंकि ये किसी भी पदार्थ से या किसी भी गैस से कोई क्रिया नहीं करती है, रिएक्शन नहीं करती है। जैसे हीलियम हो गई, नियॉन हो गई, आर्गन हो गई, क्रिप्टोन हो गई, रेडॉन हो गई, और किसीनन हो गई। हीलियम की बात करें तो हीलियम जो है कि बहुत ही हल्की गैस होती है। सामान्यतः गुब्बारों में, बलून्स में हीलियम गैस होती है, जो हवा में उड़ने वाले जो गुब्बारे होते हैं, आपने देखा होगा कि कई बार ऐसे गुब्बारे होते हैं जिनको अगर हम एक बार छोड़ दें तो हवा में उड़ते चले जाते हैं बहुत ऊपर तक, उसमें हीलियम गैस होती है। इसी तरीके से आपके घरों में, किचन में स्पेशली, जो आप भोजन वगैरह बनाते हो, आग में छौंका वगैरह लगाते हो, तो वहां पे किचन में रेडॉन गैस निकलती है। ये सभी गैसें क्या होंगी? नोबल गैस होंगी, जो कि अक्रिय गैस है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है ऑर्गन को। मैं क्यों कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि वायुमंडल में पाई जाने वाली ये तीसरी महत्वपूर्ण गैस होती है। सबसे अधिक परसेंटेज किसका होता है? सबसे अधिक परसेंटेज होता है नाइट्रोजन का। सेकंड नंबर पे आती है लगभग हमारी ऑक्सीजन। थर्ड नंबर पे आती है 0.91% आर्गन, और फोर्थ नंबर पे आती है 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड। और ये क्रम कई बार आ जाता है एग्जाम में, अलग अलग स्टेट एग्जाम्स में भी। तो बच्चे क्या करते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को थर्ड मान लेते हैं, वहीं पे गलत हो जाता है, आर्गन थर्ड नंबर पे आती है। नेक्स्ट बात करेंगे, पौधों में जाइलम जिम्मेदार होता है, तो जल परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। अब यहां पर दो ट्रिक लगा सकते हो, क्योंकि दो प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं, मतलब हार्मोन पाए जाते हैं एक तरीके से। तो जाइलम का मतलब हो गया ज से जल हो गया, अर्थात ये जल का परिवहन करेगा, और फाइलम की बात होगी फ से फूड हो गया, फूड का मतलब भोजन का ये परिवहन करेगा। तो फाइलम से क्या होता है, भोजन परिवहन होता है, जाइलम से क्या होता है, जल परिवहन। अब यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा जानकारी दे दूँ, देखो कई बार यह भी पूछता है कि जल का जो परिवहन होता है वो किधर होता है, वो नीचे से ऊपर होता है, यानी कि बॉटम टू टॉप होता है। भाई पेड़ों की अगर हम बात करें, एक पेड़ अगर हम बनाते और इस तरीके से, तो यहाँ पे जो है कि इसकी जो जड़ें होती ना नीचे, यहाँ मिट्टी से जो है कि पानी ऊपर आता है तने के माध्यम से, और ये फिर पत्तियों में जाता है, फिर वहाँ पे भोजन तैयार करता है, ये सारा काम करता है। लेकिन अगर हम इसी तरीके से फ्लोएम की बात करते हैं, तो सामान्यतः फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम आपके जो भोजन बनता है पत्तियों में, उसे बॉडी के हर पार्ट में पहुँचाता है, जैसे तने में भी पहुँचाता है, रूट में भी पहुँचाता है, लीव्स में भी पहुँचाता है, फ्रूट्स में भी पहुँचाता है, हर जगह भोजन को पहुँचाता है। और इसके लिए एक और चीज़ याद रख लो कि जब भोजन जो होता है फ्लोएम से हर जगह पहुंचाया जाता है, तो इसके लिए एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? एनर्जी की। जबकि जाइलम से जब जल पहुंचाया जाता है तो यहाँ पे एनर्जी की आवश्यकता नहीं पड़ती, बल्कि ये एक कैपिलरी प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से नीचे से ऊपर स्वतः आ जाता है, यानी वाष्पीकरण की प्रक्रिया से। इसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं,
क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। समुद्री शैवाल एक महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं किसके, तो जो आयोडीन की कमी हो रही है ना उसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि समुद्री शैवाल आयोडीन के एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अच्छा, आयोडीन के ही क्यों कहे जा रहा है? आपको पता है कि जो नमक बनता है वो समुद्री पानी से बनता है या खारे पानी से बनता है जिसमें आयोडीन की मात्रा होती है, लेकिन अगर उसी समुद्र में कोई वनस्पति भी पैदा हो रही है और उसी पानी में, तो जाहिर सी बात है उसमें भी वही विशेषता पाई जाएगी, खारे पानी की विशेषता जो कि आयोडीन से भरपूर है। इसीलिए कई बार डॉक्टर्स क्या करते हैं, पेशेंट को समुद्री शैवाल खाने की सलाह देते हैं। हालांकि इंडिया में ये कल्चर अभी बहुत कम है, लेकिन फॉरेनर्स में बहुत सारे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिकी कंट्रीज, वहाँ पे अभी भी ये चीज़ों को प्रमोट किया जाता है। नेक्स्ट चलते हम लोग, आप देखो कि 2023 में टोटल 10 प्रश्न आए थे, अब 2022 को अगर हम देखते हैं, यहाँ पर क्षेत्र दे रहा है और अनुमति शोर स्तर, यानी कौन से क्षेत्र में आप कितनी ध्वनि तक जो है कि अनुमति मिलनी चाहिए। डीबी का मतलब क्या होता है दोस्तों? डेसिबल होता है, जिसमें ध्वनि की मापन किया जाता है। तो आवासीय जो क्षेत्र होते हैं, जो रेजिडेंशियल कॉलोनीज होती हैं, उनके लिए 55 डेसिबल तक माना जाता है। अगर जो शांत क्षेत्र होते हैं उनके लिए 50 डेसिबल, और औद्योगिक क्षेत्र जहाँ पर इंडस्ट्री वगैरह भी थोड़ा बहुत चलती हैं उनके लिए 70 डेसिबल, और साथ ही में जो व्यापारिक क्षेत्र होते हैं, जो व्यापार करने वाले क्षेत्र होते हैं, दुकानें वगैरह, हार्ट एंड कल्चर, तो यहाँ पे 65 आपके डेसिबल होती है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि ऊष्मा गतिकी यानी थर्मोडायनेमिकली रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा होता है? तो ग्रेफाइट। अब देखिए, कार्बन के बहुत सारे बहुलक पाए थे, जैसे ग्रेफीन हो गई, ग्रेफाइट हो गई, फुलेरिन हो गई, ये सब कई सारे इसके रूप होते हैं, लेकिन जो सबसे स्थिर मानी जाती है, सबसे अस्थाई, जिसमें अगर देखा जाए तो टेम्परेचर कम करने पर प्रेशर भी, मतलब कि यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही कम हो जाते हैं, और इसी को कहते हैं कि कार्बन का सबसे स्थिर रूप मिलता है, और उस समय ग्रेफाइट पाया जाता है, फुलेरिन या C60 इस तरीके की चीज़ें नहीं होती हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, मात्रा कह रहा है और मात्रक की बात कर रहा है। जैसे अगर हम देखें SI मात्रक की बात हो रही है, लेंस की क्षमता, हम जो लेंस यूज़ करते हैं उसकी जो क्षमता होती है वो डायोप्टर के रूप में होती है। दबाव या दाब की बात करेंगे तो इसका SI मात्रक पास्कल होता है। रेडियो एक्टिव जो पदार्थ होते हैं उसके लिए बैकुरल होती है, और ऊष्मा की बात करेंगे तो उसके लिए जूल होता है, ऊष्मा के लिए जूल हो जाता है। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या, यानी कि नेचुरल गैस में कौन कौन से कंपोनेंट पाए जाते हैं? तो मीथेन सबसे अधिक पाई जाती है, 85%, बाकी एथेन भी होती है और प्रोपेन भी होती है। अब ध्यान देना मेरे दोस्त, एलपीजी की बात मैं नहीं कर रहा हूं, एलपीजी कनेक्शन जो आपके घरों में सिलेंडर होते हैं उसमें प्रोपेन और ब्यूटेन होते हैं मुख्य रूप से, और साथ ही साथ उसमें मिथाइल आइसोसाइनेट जो है कि नहीं मरकैप्टन, मिथाइल मरकैप्टन नाम की गैस होती है जो सुगंधित, मतलब सुगंध पैदा करती है, जिससे पता चलता है कि गैस हमारी लीकेज है या नहीं। लेकिन यहां पे प्राकृतिक गैस की बात कर रहे हैं तो एथेन प्रोपेन के साथ मीथेन इज द मोस्ट कंपोनेंट होता है, मेनली यही होता है। अगला अगर हम देखें कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस की बात करें, CNG की, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस की बात करें, तो इसमें जो मुख्य तत्व होता है, देखिए नेचुरल गैस को जब कंप्रेस्ड कर दिया जाता है तो भी यहाँ पे मीथेन ही रहेगी, क्योंकि नेचुरल गैस का जो बेसिक मूल कंपोनेंट है 85% आपका मीथेन, वो तो कम हुआ नहीं। तो नेचुरल गैस को अगर हम कंप्रेस्ड भी कर दे रहे हैं तो भी वहाँ पर क्या रहेगा, तो भी आपका वहाँ पर मीथेन ही रहेगी। इसके बाद अगर हम बात करें, किस ऊष्मा इंजनों में कार्बोरेटर का प्रयोग होता है? पेट्रोल इंजन में होता है, आंतरिक दहन में प्रयुक्त होने वाला उपकरण है। आपके पास अगर बाइक है जो पेट्रोल पे चलती है तो आप उसमें देखोगे कि पेट्रोल को ईंधन के रूप में, तो उसमें कार्बोरेटर होता है इंजन के पास, जो कि क्या करता है, पेट्रोल को, जो गाड़ी पेट्रोल से चलती है उसमें आग पैदा करता है, यानी दहन पैदा करता है, जिससे एनर्जी मिलती है इंजन को और फिर आपकी गाड़ी चलती है बढ़िया करके। अब यहाँ पर नेक्स्ट हम देखेंगे कथन की बात करते हैं, एक गिलास पानी में नमक का घोल समरस होता है, कारण पूरे हिस्से में एक संगठन वाला घोल ही समरस होता है, दोनों बातें सही हो गई। अब यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि अगर आप कोई ऐसा पदार्थ घोलते हो जो पूरी तरीके से पूरे पानी में घुल जाता है तो उसे हम समरस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर एक गिलास बना देता हूँ दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर मैंने एक गिलास बना दिया, थोड़ा सा इसका बेस मज़ेदार नहीं बना इस तरीके से, और यहाँ पर मैंने एक पानी मिल रख दिया, ठीक है, आप इस चीज़ को समझ लीजिए जरा एक बार अच्छे से, क्योंकि एक बार अगर आप समझ लोगे तो देखो ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब यहाँ पर अगर आपने नमक डाल दिया तो नमक डालने से ऐसा तो नहीं है ना कि पानी के इस हिस्से का स्वाद केवल नमकीन होगा और इस हिस्से का कोई स्वाद ही नहीं होगा, ऐसा तो नहीं है। हम जब भी पानी पियेंगे तो पानी के सभी हिस्से का स्वाद क्या होगा, नमकीन होगा। या फिर अगर हम बात करें कि अगर हम पानी में चीनी मिला दें, यहाँ पर चीनी मिला दें, तो केवल पानी यहीं पर मीठा नहीं होगा बल्कि पूरा का पूरा पानी ही मीठा हो जाएगा। लेकिन अगर इसी जगह अगर हम तेल को डाल दें, तेल वगैरह डाल दें, तो हो सकता है कि तेल अपने पृष्ठ तनाव की
वजह से यहाँ पर तैरता हुआ दिखेगा, लेकिन यहाँ पर तेल नहीं होगा, नीचे तेल नहीं होगा। शहद की बात करें तो शहद भी जो है कि एक तरीके से घुलनशील पदार्थ होता है लेकिन पूरा नहीं होता। इसीलिए समरस का मतलब क्या होता है कि जब भी आप किसी पदार्थ को पानी में घोलो और वो पूरी तरीके से घुल जाए उसे ही हम समरस कहते हैं, जो कि पूरे हिस्से में घुल जाए। अब यहाँ पर आप आगे देखिए, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, सल्फर ड्रग किस प्रकार की औषधि होती है। आप लोग जब कई बार दवाइयाँ खाते हैं तो कई बार दवाइयों पे ऐसे नाम लिखे होते हैं जो सल्फा से रिलेटेड होते हैं, जैसे सल्फानिलामाइड, ठीक है। आगे और भी ड्रग्स मैं बताऊंगा आपको सल्फा से संबंधित होते हैं जिसमें सल्फर की मात्रा पाई जाती है, तो सल्फानिलामाइड कहते हैं। और ये मुख्य रूप से एंटीबैक्टीरियल होते हैं, यानी प्रतिजीवाणु, जीवाणुओं के प्रतिरोध को कम करने के लिए होती है एंटीबैक्टीरियल। तो सल्फा ड्रग्स इस प्रकार की होती है। कौन से पदार्थ जैव निम्नीकरण होते हैं, जैव निम्नीकरण का मतलब होता है बायोडिग्रेडेबल, यानी जिसका अपघटन आसानी से हो सके। जैसे ऑप्शन में चार ऑप्शन दिए तो उसमें ऊन की बात कर रहे थे। ऊन किससे बनता है दोस्तों, कई बार होता है कि हम भेड़ के बालों से बनाते हैं, बकरी के बालों से बनाते हैं, तो देखा जाए तो ऊन कहीं ना कहीं एक नेचुरल घटक से तैयार किया जा रहा है। जबकि प्लास्टिक कप हो गए, कांच हो गया, एल्यूमिनियम की जो फॉइल जिसमें आप पेपर वगैरह में फॉइल में पराठे रोटी ये सब चीज़ों को लपेट के ले जाते हैं ना, सैंडविच वगैरह बर्गर, तो ये एल्युमिनियम फॉइल ये सब नॉन डिग्रेडेबल है, यानी ये अपघटनीय नहीं है, प्रदूषण है। जबकि ऊन क्या है, एक जैविक घटक है, जीवाश्म है, इस वजह से ये अपघटनीय है। अब यहाँ पे कुछ पादप रोग है और उसके पीछे भी कौन से कारक है, जैसे खट्टे नासर का एक रोग होता है, ये जीवाणुओं की वजह से होता है। गन्ने में जो लाल सड़न होती है, कई बार आप देखोगे गन्ना बाहर से बहुत सुंदर होता है लेकिन गन्ने में एक महीन सा छेद होता है, महीन सा छेद, और जब आप उस गन्ने को खा रहे होते हो छील कर तो अंदर कई बार होता है कि गन्ना लाल होता है, कीड़े जैसे लगते हैं और हम फिर उस पॉइंट को तोड़ देते हैं। ये किसकी वजह से होता है, फंगस की वजह से, अर्थात कवक की वजह से। आलू का कृष्णकांत रोग जो ब्लैक हो जाता है आलू ऑक्सीजन की कमी से, और गेहूं का जो साहू रोग होता है ये आपके कीटों की वजह से होता है। तो ये भी प्रश्न 2022 में पूछा गया है। नेक्स्ट अगर हम देखें, कौन स्तनधारी अंडे देता है। देखो स्तनधारी किसे कहते हैं, एक ऐसा जीव जंतु या ऐसा जानवर या ऐसा इंसान जो अपने बच्चों को जन्म भी देता है और साथ में अपने बच्चे को स्तनपान कराता है, यानी कि दूध पिलाता है। जैसे हमारी माता क्या है, हमारी जितनी मतलब जो हमारी माँ है, या गाय देख लो, भैंस देख लो, इस तरीके के जो जानवर है ये सभी स्तनधारी हैं, क्योंकि ये अपने बच्चे को पैदा करती हैं और अपने बच्चे को दूध भी पिलाती हैं। लेकिन कुछ एक एग्जाम्पल ऐसे होते हैं जो अपवाद के तौर पे, जो बच्चे को सीधे पैदा नहीं करते बल्कि अंडा देते हैं पहले और फिर उन अंडे में से बच्चा निकलता है, और है क्या, स्तनधारी है। तो ऐसे में एग्जाम्पल एकिडना को याद रख लो और प्लैटिपस को याद रख लो। किसको, एकिडना और प्लैटिपस, ये दोनों स्तनधारी तो है ही है लेकिन फिर भी ये बच्चा सीधा नहीं देके अंडे पैदा करती है। अगला प्रश्न है, बैसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा कारक है किसका, शिशुओं में निमोनिया और मेनिनजाइटिस, जो कि मस्तिष्क ज्वर होता है, जो कहते हैं ना कि दिमागी बुखार जिसे कहते हैं, दिमाग में बुखार पकड़ लेना, तो निमोनिया और मेनिनजाइटिस का ये जो है कि इन्फ्लुएंजा जो है कारक होता है, बैसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, कौन करता है भाई, भाई एनर्जी में ट्रांसफर कर देता है लाइट एनर्जी को। तो लाइट एनर्जी अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी में ट्रांसफर हो रही है तो उसकी वजह होती है सौर सेल। आप देखो आप अपने छतों पे कई बार होता है कि आपको प्रमोट किया जाता है भाई अपने छतों पे जो है कि सोलर पैनल लगवा दीजिए। सोलर पैनल का मतलब क्या होगा, सौर सेल या सौर पैनल, और जिस पे क्या होगा, सूर्य का प्रकाश आएगा फिर उसमें इस तरीके के फोटोवोल्टिक सेल लगे होते हैं जिनकी वजह से वो सारा प्रकाश क्या होता है, एनर्जी में स्टोर होता है और बाद में इलेक्ट्रिसिटी के रूप में काम करता है, आपके घरों में कूलर पंखा टीवी एसी गीजर वगैरह सारी चीज़ों को चलाता है। तो कहने का मतलब हो गया, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करने का काम सोलर सेल करते हैं, फोटोवोल्टिक सेल करते हैं। डेंगू बुखार किस मच्छर के काटने से होता है, तो पहली चीज वो होता है वायरस से, और वायरस में भी कौन, मादा एडीज एजिप्टी, यानी एडीज एजिप्टी प्रजाति की जो मादा मच्छर होते हैं इनके काटने से ही डेंगू बुखार होता है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, एस्पार्टम रेयान नियोप्रीन आइसोटोसिन। अब इसकी बात करेंगे तो ये कहीं ना कहीं आप देखोगे कि एस्पार्टम क्या होता है, संश्लेषित मधुरक होता है। संश्लेषित का मतलब आर्टिफिशियल स्वीटनर। कई बार आप देखोगे कि बहुत सारे लोग जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं वो लोग चीनी गुड़ या मीठा खाने से मना करते हैं, परहेज करते हैं, लेकिन उसका सब्स्टिट्यूट क्या करते हैं, वो लोग आर्टिफिशियल स्वीटनर को ले लेते हैं, ठीक है। और एक चीज और, आर्टिफिशियल स्वीटनर जो है कि बहुत अधिक जो है कि मिठास पैदा करता है, जैसे जेली वगैरह हो गया इनमें। और रेयान की बात करेंगे तो रेयान क्या, अर्ध सिंथेटिक है, यानी कि ये मैन मेड है, कृत्रिम है लेकिन अर्ध रूप से। नियोप्रीन की बात करेंगे तो एक विशिष्ट रबड़ है जो कि आर्टिफिशियल होती है। ऑक्सीटोसिन की बात करेंगे तो ये पादप हार्मोन होता है, क्या होता है दोस्तों, पादप हार्मोन, पेड़ों में पाया जाने वाला हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन। अब आगे चलते हैं,
अगला प्रश्न है यहाँ पे 2021 के पेपर से, जिसमें प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, कांच का कौन सा प्रकार अल्ट्रा वायलेट रेज को काटता है, यानी यूवी को काटता है, तो उसे हम कहते हैं क्रुक्स कांच, और इसमें सीरियम ऑक्साइड लगा होता है। ध्यान से समझना, कांच का कौन सा प्रकार यूवी को काटेगा, तो क्रुक्स कांच होता है जिसमें सीरियम लगा होता है, सीरियम ऑक्साइड। नेक्स्ट है, विद्युत विभव के संदर्भ में सत्य कथनों की बात करते हैं। सबसे पहले यह एक अदिश राशि है, बिल्कुल अदिश राशि किसे कहते हैं पता है आपको, जिसमें परिमाण की तो बात होती है, वेट की तो बात होती है, लेकिन उसमें कोई डायरेक्शन की बात नहीं होती, जबकि सदिश राशि किसे कहते हैं, जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी बात होती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैंने आपसे कहा कि भाई 5 किलो आलू दे दीजिए, तो 5 किलो आलू अगर मैं बाजार से लेके आया तो उसमें परिमाण तो है, वेट है, 5 किलो का वेट है, लेकिन उसमें कोई डायरेक्शन नहीं है कि पता चले कि हम 5 किलो उत्तर आलू लेकर आए, 5 किलो दक्षिण आलू लेकर आए, ऐसा तो नहीं होता है, बस 5 किलो आलू लेकर आते हैं। लेकिन अगर आपसे कई बार पूछा जाता है कि आपने कितने किलोमीटर की दूरी डिस्टेंस कवर की, तो आप कहते हो सर 10 किलोमीटर में दिल्ली गया या 10 किलोमीटर में नॉर्थ डायरेक्शन में गया, तो वो हो जाती है आपकी सदिश राशि। तो इसी तरीके से विद्युत विभव भी क्या होता है, अदिश राशि होती है, और इसका एसआई मात्रक होता है जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम। देखिए इतने आसान आसान प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा कोई कंफ्यूजन नहीं है। साइंस के पेपर मैंने डेली एमसीक्यू जो डेली वाली जो सीरीज चला रहा हूँ टारगेट सीरीज, उसमें मैंने कई बार कहा कि आप लोग बस घटना चक्र और लूसेंट को अगर अच्छे से कर लेते हो, केवल साइंस के लिए, लूसेंट को साइंस ही बस काम करनी है, लूसेंट का बाकी और जगह उसका यूज नहीं है, तो आपके बहुत सारे प्रश्न इजिली सही हो सकते हैं। एलपीजी के मुख्य अवयव क्या है दोस्तों, एलपीजी जो हमारे घरों में जो एलपीजी सिलेंडर यूज किए जाते हैं, मैंने वही तो बताया था अभी ऊपर, प्रोपेन होते हैं, ब्यूटेन होते हैं, और आइसोब्यूटेन वगैरह इनका प्रयोग किया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से प्रोपेन और ब्यूटेन होते हैं, और ये सभी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनका ये मिश्रण होता है, और यह प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन से प्राप्त होते हैं, यानी कि जब हम डिस्टिलेशन मेथड को अपनाते हैं, प्रभाजी आसवन मेथड को, प्राकृतिक गैस या पेट्रोलियम के, तब जाके हमें एलपीजी प्राप्त होती है। नाइट्रोजन एक आवश्यक है, किसके लिए, क्लोरोफिल के लिए भी आवश्यक है, डीएनए के लिए भी आवश्यक है, आरएनए के लिए भी आवश्यक है, किंतु कार्बोहाइड्रेट के लिए आवश्यक नहीं है। कैसे, अगर मैं कहूं कि नाइट्रोजन का जो घटक है क्या क्लोरोफिल में मिलता है, बिल्कुल मिलता है, क्लोरोफिल में ये रहता है तभी जो है कि, क्योंकि पौधों को नाइट्रेट की आवश्यकता होती है, डीएनए में होता है, बिल्कुल नाइट्रोजन ही बेस आपने पढ़ा होगा, थायमीन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल ये पढ़े, और आरएनए में भी यही नाइट्रोजन ही बेस पड़े होंगे, नाइट्रोजन के क्षार, तो नाइट्रोजन यहाँ भी होता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट जो होता है, जो भोजन होता है, उसमें ये नहीं मिलता है, उसमें ये नहीं मिलता है, जिसमें C6H12O6 जो बनता है ना, भोजन जो बनता है पेड़ पौधों का, जिसे हम लोग स्टार्च कह देते हैं, मंड कह देते हैं, बायोमास कह देते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, तो इसमें नाइट्रोजन की प्राप्ति नहीं होती है, इसलिए 4 क्वेश्चन आपका इसका आंसर हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट इसमें नहीं शामिल होगा। अब यहाँ पर अगले प्रश्न को देखते हैं कि खीरे को काटकर नमक डालने पर पानी निकलने लगता है, तो ये क्या प्रक्रिया होती है, परासरण की प्रक्रिया होती है। जो आप खीरा वगैरह काटते हो और खीरे पे कई बार होता है, हम लोग कहते हैं कि अगर इसके ऊपर वाले सिरे पे थोड़ा सा काट के नमक डाल के अगर रगड़ दिया जाए तो जो कड़वापन होता है खीरे का वो बाहर निकल आता है, तो बाहर किस फॉर्म में निकल के आता है, पानी के फॉर्म में, और ये कौन से प्रोसेस को कहते हैं, आपने पढ़ा होगा ऑस्मोसिस की क्रिया, तो ये परासरण की क्रिया होती है। अब हम देखते हैं आगे रेडियो धर्मिता के संदर्भ में, यहाँ पर कुछ सत्य कथन की बात की जा रही है, जैसे रेडियो धर्मिता एक नाभिकीय गुण है, बिल्कुल रेडियो धर्मिता एक नाभिकीय गुण है, यानी कि न्यूक्लियर प्रॉपर्टी है, साथ ही साथ नाभिकीय संलयन सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम आधारित है, बिल्कुल सही बात। आप देखोगे कि नाभिकीय संलयन का मतलब क्या होता है, जब 2 नाभिक मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं तो उसी को हम कहते हैं नाभिकीय संलयन, जैसे सूर्य की एनर्जी भी क्या होती है, नाभिकीय संलयन पर ही आधारित होती है। जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पे कि कौन कौन सी होती है, आप यहां पर देखिए हाइड्रोजन के 2 अणु जब आपस में मिलते हैं तो हीलियम बनता है, और बहुत अधिक मात्रा में एटीपी फॉर्म में एनर्जी बनती है, तो ये जो 2 अणु हैं ये अलग अलग क्या हो रहे हैं, संलयन हो रहे हैं और हीलियम बना रहे हैं, और यही प्रोसेस किसका होता है, सोलर एनर्जी का होता है, यानी कि जब सूर्य की एनर्जी बनती है तो इसी से बनती है, और इसी नाभिकीय संलयन सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम आधारित होता है, जबकि परमाणु बम जो होता है वो नाभिकीय विखंडन पे होता है। जैसे मान लो परमाणु बम में अगर हमने प्लूटोनियम का प्रयोग किया या यूरेनियम का प्रयोग किया, तो उस पर जब हम न्यूट्रॉन से बमबारी करते हैं, किससे, न्यूट्रॉन से, तो बहुत छोटे छोटे जो है कि कण अलग 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 हो जाते हैं, यानी कि नाभिक का विखंडन हो गया, किससे हुआ, न्यूट्रॉन की बमबारी से हुआ। ये वाला जो पैटर्न होता है ये आपके परमाणु बम में यूज होता है, हाइड्रोजन बम में नहीं, कई बार होता है इसमें कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को। अब देखते हैं यहाँ पे कुछ अम्ल के बारे में, जैसे सिरके में कौन सा अम्ल होता है, तो एसिटिक अम्ल होता है। हड्डियों में कौन उपस्थित होता है, कैल्शियम फास्फेट होता है। दूध का खट्टा होना लैक्टिक अम्ल की वजह से। अमाशय में जो रस उपस्थित होता है उसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, यानी कि HCl कहते हैं, ये अमाशय में पाया जाता है। इसके बाद अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं,
तो रक्त में शर्करा का स्तर सामान्यतः प्रदर्शित होता है। रक्त में जो शर्करा का स्तर होता है वो किस फॉर्म में देखा जाता है? मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में, यानी आपके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कितनी है ये मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के फॉर्म में ही चेक किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम प्रश्न को देखें, रक्त में किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होने की चांसेस होते हैं, जिसमें बच्चे के होंठ जो है कि नीले पड़ने लगते हैं और धीरे धीरे उसकी पूरी बॉडी ही ब्लू कलर की होने लगती है। तो रक्त में ऐसा क्या होता है? मेथे हीमोग्लोबिन की अधिकता होने से कोशिकाओं तक पर्याप्त मात्रा में जब ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है तो पूरी कोशिका यानी कि पूरी जो बॉडी है जो रेड कलर होने की जगह ब्लू होने लगती है। किसकी वजह से? मेथे हीमोग्लोबिन की वजह से, और इसी को कहा जाता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। अच्छा, बाटुलिज्म कौन सी बीमारी है, ये किस प्रकार की बीमारी है? तो ये खाद्य जनित बीमारी है, यानी भोजन करने से बीमारी होती है। लेकिन कैसा भोजन? अगर भोज्य पदार्थ से होने वाला जो विषैलापन, अर्थात आप अगर कोई रखा हुआ 4 दिन 5 दिन पुराना अगर भोजन करते हो तो क्या होगा, आपको बाटुलिज्म जैसी बीमारी हो सकती है। इसीलिए कहा जाता है कि या तो 2 जगह खाना खाइए, या तो 4-5 स्टार रेस्टोरेंट में खाना खाइए, 3 स्टार में तो कम से कम खाइए अगर खाना अगर कहीं बाहर खा रहे हो, या फिर ढाबे पर खाइए। ढाबे की एक खासियत होती है कि वो उतना ही बनाते हैं जितना वो दिन भर का काम चला ले, वो कभी भी ऐसा भोजन नहीं बनाते कि उनको रखना पड़ जाए, क्योंकि उनके पास क्या होता है, बड़े बड़े फ्रीजर नहीं होते डीफ्रीज करने के लिए कि जिससे वो स्टोर कर पाए अपने बचे हुए सामान को। डेफिनेटली वो अगले दिन खराब हो जाएगा, स्मेल आने लगेगी, इसलिए वो कम मात्रा में वस्तु बनाते हैं और वो रेगुलर ताजा बनाते हैं। या फिर बड़े बड़े जो होटल्स होते हैं रेस्टोरेंट, उनके पास इतनी अच्छी क्वालिटी के फ्रीजर और डीफ्रीज करने के पैटर्न होते हैं कि 1 से 2 दिन तक वो आराम से चला लेते हैं और खराब नहीं होता। ठीक है, तो इसीलिए ऐसी जगह खाना मत खाइए जहां पे विषैलापन हो रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, राइबोफ्लेविन की बात करें, जो कि विटामिन B12 B2 को कहते हैं राइबोफ्लेविन, ये इसकी कमी से होने वाला रोग क्या होता है? अगर B2 की कमी है आपकी बॉडी में तो सामान्यतः तंत्रिका संबंधी बीमारियां होती है, नर्वस सिस्टम जैसी, और चेइलोसिस नाम का रोग होता है जिसको हम लोग होठ फटने की बीमारी कहते हैं। जैसे कई बार होता है ना कि आपके गर्मियों में सर्दियों में स्पेशली होठ फटते हैं, तो चलो वो तो मौसम की वजह से होता है, क्योंकि सर्दियों में क्या होता है हवाएं शुष्क होती है जिसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर का पानी निकल जाता है और जिसकी वजह से होठ क्या होते हैं शुष्क हो जाते हैं। लेकिन अगर आपके हर मौसम में होठ फट रहे हैं तो यानी वो बीमारी हो गई चेइलोसिस और विटामिन B2 की कमी से होती है। अब आ जाइए विटामिन AC, D और B6 के स्रोत की क्या बात करते हैं। जैसे विटामिन ए की बात करें तो गाजर, चुकंदर, अंडा खाना चाहिए, क्योंकि विटामिन ए की कमी से आपको रतौंधी रोग हो सकता है। रतौंधी मतलब आंखों से देखने में प्रॉब्लम होगी, और आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए आपको गाजर, चुकंदर, अंडे जैसे प्रोटीन को कंज्यूम करना चाहिए। विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी से स्कर्वी जैसा रोग हो सकता है, पायरिया जैसा रोग हो सकता है, आपके दांतों से खून आ सकते हैं, मसूड़े कमजोर हो सकते हैं, इनको आपको इम्यूनिटी सिस्टम भी कमजोर हो सकता है, इसे मजबूत करने के लिए आपको संतरा, नींबू, आंवला, खट्टे जो रसदार फल होते हैं उनको खाना चाहिए। विटामिन डी की बात करें जो कि आपके बॉडी को मजबूत रखती है, इसकी कमी से आपको ऑस्टियोपोरोसिस या फिर रिकेट्स जैसी बीमारी हो सकती है, और इसके लिए आप कॉड मछली का तेल प्रयोग कर सकते हैं। फिर विटामिन B6 की बात करें तो इसके लिए आप धान का चोकर प्रयोग कर सकते हो। आगे देखते हैं मच्छर वाहित रोग, यानी कि जो मच्छर से होने वाले रोग हैं कौन कौन से, जैसे डेंगू भी मच्छर से होता है, फाइलेरिया भी आपके मच्छर से होता है, मलेरिया भी आपके मच्छर से होता है, जबकि निद्रा रोग जो होती है वो सीसी मक्खी द्वारा होता है। ध्यान से समझना, जो स्लीपिंग सेल, जो सिकल से मतलब स्लीपिंग सेल वाला जो बीमारी होता है निद्रा रोग, ये सीसी मक्खी के द्वारा होता है, बाकी सभी मच्छर से होते हैं रोग। अगला प्रश्न है आपका, किस कुल के पौधे से टापा कपड़ा बनाया जाता है? तो ये सहतूत परिवार का जो मोरेसी कुल का पौधा होता है सहतूत का, उसी से टापा कपड़ा बनाया जाता है, जो कि आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है। फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल कहाँ पे होता है? तो एल्यूवेली में जो है कि गैसों का विनिमय होता है। अब ये कौन सा स्थल होता है तो मैं अभी दिखा देता हूँ आपको। अब देखिए यहाँ पे एल्यूवेली दिख रहा होगा आपको, देखिए ये पूरे जो है कि मैंने क्या बनाया, एक फेफड़े की पूरी स्ट्रक्चर बना दिया जो गले से लेकर शुरू होता है, और इस तरीके से जब यहाँ पे लेरिंग स्वर यंत्र जो होते हैं उसके नीचे जो ट्रैकिया होते हैं श्वास नली, फिर यहाँ पे ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं जिसको हम ब्रोंकी कहते हैं, फिर ब्रोंकी भी आगे जाके कई सारी तनाव में बदलते हैं जिसको ब्रोंकियोल्स कहते हैं, और इनके नीचे जो मटके जैसे गोल गोल लटके हुए हैं इसी को एल्यूवेली कहते हैं, नहीं कूपिका, और इन्हीं के नीचे ब्लड वेसल्स होते हैं जहाँ से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है आदान प्रदान होता है, यानी गैसों का विनिमय होता है, तो इसी को कहा जाता है एल्यूवेली या कूपिका। तो समझ में आ गया क्या प्रश्न पूछा गया यहाँ पर कि गैसों का विनिमय कहाँ पर होता है, गैसीय विनिमय तो एल्यूवेली में होता है जिसे हम कूपिका भी कहते हैं। सामान्य दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? तो विटामिन ए जिसको हम लोग रेटिनॉल कहते हैं। अगर विटामिन ए की कमी होती है आपके बॉडी में तो आपको रतौंधी रोग हो सकता है, देखने में समस्या आ सकती है।
नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सत्य कथनों की पहचान कीजिए। जैसे अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं होते हैं, बिल्कुल सही बात है, इसीलिए हम विटामिन ए बी सी डी, विटामिन बी सिक्स, बी टू, बी वन, बी टू, बी थ्री जो भी अलग अलग होती है, इनके लिए हम विभिन्न प्रकार के भोजन सामग्रियों को ग्रहण करते हैं, जिससे हमारे बॉडी में इन विटामिन की जो कमी है वो पूरी हो सके। तो ये बात तो सही है। शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं, बिल्कुल, विटामिन ए से आपकी आंखें सही होती हैं, विटामिन सी बी से आपको बेरी बेरी रोग नहीं होता, विटामिन सी से आपके अंदर इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होता है, विटामिन डी से आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं, विटामिन के से आपके रक्त के थक्के जमने की प्रॉब्लम नहीं होती है। तो बहुत सारी विटामिन होती हैं जो हमारे शरीर के विकास के लिए अनिवार्य होती है। फिर अधिकांश विटामिन पर्याप्त मात्रा में भोजन द्वारा ही मिलते हैं, बिल्कुल, हम इसके लिए कोई दवाइयाँ नहीं खाते, सप्लीमेंट नहीं खाते हैं विटामिन को बढ़ाने के लिए, हम सामान्यतः भोजन करते हैं और भोजन में ही हमें मैक्सिमम मात्रा में विटामिन प्राप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, शीत प्रकोष्ठ यानी कि कोल्ड स्टोरेज की बात करते हैं, इसमें फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देता है क्योंकि श्वसन दर का ह्रास कम हो जाता है सामान्यतः निम्न तापमान पर। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कई बार होता है कि हम टमाटर हो गया, प्याज हो गए, आलू हो गए, खाद्यान्न सामग्री को सामान्यतः कोल्ड स्टोरेज में रख के आते हैं। क्यों रखते हैं कोल्ड स्टोरेज में, क्योंकि वहां पर उनके जैविक घटकों की जो सांस लेने की दर है वो कम हो जाए, धीरे धीरे वो सांस ले, अर्थात धीरे धीरे वो मरने की प्रक्रिया में आएंगे, या यूं कहें कि धीरे धीरे वो खराब होंगे। इसीलिए निम्न टेम्परेचर पर, जहाँ पे कोल्ड हो जाता है निम्न टेम्परेचर पर, वहाँ पे मतलब पूरी सर्दी रहती है अंदर, तो वहाँ पे ये वस्तुएं सेफ रहती है। और इसीलिए हम सामान्यतः अपनी सब्जियों को, फ्रूट्स को कहाँ रखते हैं, फ्रिज के अंदर रखते हैं कि ताकि ये स्टोर हो जाए अच्छे से। चलिए अब देखते हैं 2020 के प्रश्न को। आप देखिए 2021 में लगभग 18 प्रश्न आए थे, 2020 में अगर हम देखें, अब यहाँ पर अगला प्रश्न हम देखते हैं जो क्या कह रहा है, टेफ्लॉन, लेक्सॉन, पॉलीथीन, पॉलीस्टराइन, नायलॉन आदि ये सभी कृत्रिम पदार्थ हैं जो कि थर्मोप्लास्टिक पदार्थ हैं। अब ध्यान से समझ लो थर्मोप्लास्टिक की क्वालिटी क्या होती है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं इनकी। जैसे टेफ्लॉन हो गया, लेक्सॉन हो गया, पॉलीथीन हो गया, पॉलीस्टराइन हो गया, नायलॉन हो गया, ये सभी आर्टिफिशियल पदार्थ तो हैं लेकिन ये सभी थर्मोप्लास्टिक है। थर्मोप्लास्टिक का मतलब क्या होता है कि जैसे गर्म करने पर ये मुलायम हो जाती हैं और ठंडा करने पर ये पुनः कठोर हो जाती हैं। कहने का मतलब हो गया कि जब आप किसी प्लास्टिक को गर्म कर रहे हो तो सामान्यतः पाइप वगैरह देख लो तो गर्म करने पर थोड़ा मुलायम हो जाती है ताकि पाइप आराम से लगाने में आसानी हो जाती है टंकी वगैरह से, लेकिन जैसी वो ठंडी होती है तो दोबारा वो कठोर अवस्था में आ जाती है जैसे वो पहली थी। तो थर्मोप्लास्टिक का जो गुण होता है कि भाई अगर गर्म करने पर मुलायम हो रही है तो ठंडे होने पर ये पुनः अपने उसी अवस्था को प्राप्त भी कर ले, इसी को कहते हैं थर्मोप्लास्टिक। फिर आगे हम बात करें नियोप्रीन कृत्रिम संश्लेषित रबर है। नियोप्रीन क्या है दोस्तों, कृत्रिम संश्लेषित रबर है, बिल्कुल सही बात है। फाइब्रोइन क्या, ये प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले रेशे हैं और ये किससे पाए जाते हैं, अभी मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था तो आप इसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला प्रश्न है आपका, किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह विद्यमान है यानी कि लोहे की विद्यमानता होती है, मायोग्लोबिन में और हीमोग्लोबिन में। आप हीमोग्लोबिन में अगर आप देखोगे तो जिसको HB कहा जाता है, या दूसरी भाषा में कहें तो इसमें हीम पाया जाता है, हीम मतलब लौह जो होता है, और ग्लोबिन नाम का जो है कि प्रोटीन होता है, क्या होता है प्रोटीन, और इसी की वजह से रंग कैसा होता है हमारे ब्लड का, लाल होता है। उसी तरीके से मायोग्लोबिन में भी क्या होता है, ग्लोबो क्या होता है, ग्लोबिन, ये भी एक प्रोटीन होता है, और मायो क्या होता है, मसल्स होती है, जिसकी वजह से हमारे मांस का टुकड़ा भी लाल होता है। तो इन दोनों में ही मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन में लौह की मात्रा पाई जाती है। अगला प्रश्न है आपके, जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन क्या कहलाता है, म्यूटेशन कहलाता है। अगर आपके बॉडी में अचानक से कोई ऐसा चेंजेस हो जो आपके पूर्वजों की पीढ़ी में तो नहीं था लेकिन आगे की पीढ़ी में अब आने वाला है तो इसको म्यूटेशन कहते हैं। जैसे हम अपने टेल बोन को देखें, अगर हम अपने पीछे कूल्हे की हड्डी के ऊपर एक छोटी सी हड्डी होती है जिसको टेल बोन कहते हैं यानी पूंछ वाली हड्डी, हमारे पूर्वजों में कभी ना कभी एक ऐसी म्यूटेशन की क्रिया हुई होगी जहां से पूंछ निकलना ही बंद हो गई, ठीक है। और दूसरा अपोजिबल थंब यानी जो हमारा अंगूठा है वो सबसे इंपॉर्टेंट हो गया, बिना अंगूठे के हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर बाय डिफॉल्ट एक या दो उंगली कट भी जाती है और अंगूठा रहता है तो भी आप बची हुई उंगलियों और अंगूठों से कोई काम कर सकते हो, किसी वस्तु को उठा सकते हो, लेकिन अगर अंगूठा ही नहीं रहेगा तो बहुत सारी समस्याएं आप फेस करोगे, ये चीज होगी। अब यहां से अगर आप देखोगे कि फायर अलार्म में किसका उपयोग होता है, फायर अलार्म में किसका उपयोग होता है, जो आप देखोगे कि जो अलार्म वगैरह लगे होते हैं जैसे कहीं पे आग वगैरह लग जाती है कंपनी में, रेस्टोरेंट में, होटल में, कहीं पर भी, तो वहाँ पे फायर अलार्म बजते हैं, उसमें क्या लगा होता है, फोटो सेल लगा होता है। कैसा फोटो सेल, इसमें आग का पता लगाने के लिए प्रकाश स्रोत और प्रकाश सेंसर का उपयोग किया जाता है। अब जैसे ही आग लगती है कहीं पर तो आग की लपटों में क्या होता है, लाइट होती है यानी प्रकाश होता है,
क्योंकि अंधेरे में जब हम आग जलाते हैं तो प्रकाश होता है कि नहीं होता है, और जैसे ही वो प्रकाश इस फोटो सेल पर पड़ता है तो ये तुरंत एज्यूम कर लेता है कि भाई यहाँ पे कुछ आग लगी हुई है, तभी ये प्रकाश मेरे पास पहुँच रहा है, और तुरंत वो बीप करना शुरू करता है, एक मतलब कि खतरे की घंटी की तरह बजना शुरू करता है, जिससे सारा डिपार्टमेंट अलर्ट हो जाता है। कौन सा बहुलक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? अब देखिए, थर्मोप्लास्टिक मैंने ऑलरेडी बता दिया कि भाई थर्मोप्लास्टिक की विशेषता क्या होती है कि जब आप एक बार आप उसे गर्म कर रहे हो तो मुलायम हो रहा है, उसके बाद जैसे ही आप ठंडा कर रहे हो तो वो क्या होता है, कठोर हो जाता है। तो अगर इसके एग्जाम्पल में देखोगे तो नियोप्रीन होता है जो कि कृत्रिम रबड़ होती है, जब इसे गर्म करोगे तो मुलायम हो जाएगा, ठंडा करोगे तो फिर कठोर हो जाएगा। अन्य में डियोप्रीन रबड़ होगी, थायोकाल रबड़ होगी, ये सभी थर्मोप्लास्टिक नहीं है, बाकी सभी जो है कि थर्मोप्लास्टिक ऑलरेडी हम ऊपर पढ़ चुके हैं। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन प्रारंभ होता है, कहाँ पर होता है भाई प्रोटीन का पाचन? अमाशय में होता है। कहाँ पर होता है दोस्तों? अमाशय में। अमाशय का मतलब क्या होता है? पेट। हालांकि आप अपने मुख में ही भोजन रखते हो तो भोजन का पाचन जो है कि मुख में हो सकता है, लेकिन भोजन में पाए जाने वाले जो पदार्थ होते हैं, जो प्रोटीन होते हैं, उनका पाचन सबसे पहले अमाशय में होता है, क्योंकि यहीं पर ट्रिप्सिन नाम का जो एंजाइम होता है वो ट्रिप्सिन और रेनिन नाम का जो एंजाइम होता है वो सीक्रेट होता है, निकलता है, और उसके बाद जो है कि वो पाचन करना शुरू कर देता है। और अमाशय में, जबकि इसमें एचसीएल की उपस्थिति होती है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की, में पेप्सिन प्रोटीन सरल अणुओं को तोड़ता है, मतलब पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को क्या करता है, सरल अणुओं में तोड़ देता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, यानी नेक्स्ट प्रश्न है कि पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से कौन सा रोग होता है? देखिए, जो पॉलिश किए हुए चावल होते हैं, जैसे एक तो होता है हम नेचुरल चावल खाते हैं, लेकिन कई बार होता है मार्केट में आपको बहुत शाइनिंग वाले चावल मिलते हैं, बहुत चमकदार चावल होते हैं, आपको लगता है बहुत अच्छे चावल होंगे ये, जो सामान्यतः बिरयानी वगैरह खिचड़ी वगैरह में यूज किए जाते हैं, लेकिन अगर वो पॉलिश किए हुए चावल है तो इनको खाने से आपको बेरी बेरी के रोग हो सकते हैं, क्योंकि जब चावल को पॉलिश किया जाता है उस दौरान विटामिन बी की कमी होने लगती है, क्योंकि जो चावल में नेचुरली तरीके से विटामिन बी पाया जाता है थायमिन, लेकिन जब उसको बार बार पॉलिश किया जाता है, वॉश किया जाता है, पॉलिश किया जाता है, इस दौरान विटामिन बी की पूरी तरीके से कमी हो जाती है, और ऐसे व्यक्ति जब चावल खाते हैं तो उनको बेरी बेरी रोग हो जाता है, क्योंकि विटामिन बी की मात्रा उनके शरीर में नहीं पहुंचती है। अब यहाँ पर सत्य कथन की बात करते हैं। मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित रखने उत्तरदायी है, बिल्कुल सही बात है। जो हार्ट बीट होती है उसको रेगुलेट कौन करता है? मस्तिष्क, क्योंकि मस्तिष्क के तीन पार्ट होते हैं, अग्र, पश्च, मध्य, जिसमें आपको मेडुला ऑब्लॉगांटा मिलेगा और हाइपोथैलेमस मिलेगा, थैलेमस मिलेगा, ठीक है, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, और यह शरीर के संतुलन के लिए भी उत्तरदायी होता है, यह भी बात सही है, दोनों ही बातें सही है। अगला प्रश्न है, मानव रक्त के जमने के लिए कौन से विटामिन जरूरी होता है? विटामिन के। अगर आपके शरीर में विटामिन के नहीं है दोस्तों, तो अगर कहीं पर आपके हाथ पैर या पेट पे कहीं पे भी कोई कट लग जाता है तो वो ब्लड रुकेगा नहीं, वो लगातार बहता रहेगा, जिससे ब्लड की कमी से भी आप मर जाओगे। तो इसलिए विटामिन के होने की वजह से क्या होता है, ब्लड कट लगने पर आराम से 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 1 मिनट बाद जम जाता है। कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त हो सकता है? तो हींग प्राप्त होता है, जिससे पर्वतीय क्षेत्रों में सामान्यतः फेरुल फोइटा फोइटिडा पौधे से प्राप्ति होती है। नेक्स्ट, इसके कथन की बात करें तो सुक्रोज की अपेक्षा प्रतीप शर्करा अधिक मधुर होती है, और प्रतीप शर्करा को सुक्रोज की जल अपघटन से प्राप्त किया था, तो ये दोनों ही बातें सही है, लेकिन व्याख्या यहाँ पर सही नहीं हो रही है। अब यहाँ पर कुछ धातु है और उनकी कुछ क्वालिटी यानी गुणधर्म बताया है। जैसे सोडियम की बात करें तो सोडियम बहुत हल्का होता है दोस्तों, और जब सोडियम को आप पानी में फेंकोगे ना तो विस्फोट होता है, एक तरीके जैसे लगता है कि पटाखे या बम बज रहे हो। सोडियम हल्का भी होता है, साथ ही साथ उसको पानी में फेंकने से विस्फोट होता है, इसीलिए उसको केरोसिन में रखा था, मिट्टी के तेल में। चाकू से ये आसानी से काटा जा सकता है, चाकू से बहुत आसानी से आप काट सकते हो। पारा की बात करें तो कमरे के तापमान पर ये द्रव रूप में दिखता है, जो आपके डॉक्टर के पास आप जब जाते हो अपना ब्लड प्रेशर चेक कराते हो, जो पुरानी वाली मशीनें होती है या बुखार वगैरह, तो उसमें जो लिक्विड फॉर्म में जो पारा होता है वो कमरे के तापमान पर ही पारा है, अदरवाइज वो क्या होगा, एक तरीके से ठोस पदार्थ में बदल जाएगा। चांदी की बात करें तो विद्युत का एक अच्छा सुचालक यानी कि अच्छा करंट सप्लाई करता है, और शीशा यानी लेड की बात करें तो ऊष्मा का कुचालक होता है, इसमें सप्लाई नहीं होती है। इसके बाद पदार्थ और अनुप्रयोग, जैसे नीला थोथा का प्रयोग क्या होता है, कवक नाशियों यानी कि कवक को समाप्त करने के लिए होता है। ईओसिन की बात करें तो इसमें लाल स्याही पाई जाती है, लाल स्याही इसका प्रयोग हो सकता है। सिल्वर आयोडाइड सबसे इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जाता है कि कृत्रिम वर्षा कराने के लिए, आर्टिफिशियल रेन कराने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। जिंक फास्फाइड की बात करें तो कृंतकनाशी को ही जिंक फास्फाइड कहते हैं। आगे देखते हैं प्री 2019 के हम प्रश्न को करेंगे, किस जीव का रक्त सफेद होता है? दोस्तों किसका रक्त सफेद होता है? तिलचट्टे यानी कि कॉकरोच का। क्यों? क्योंकि इसके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी होती है, जिसकी वजह से इसका रक्त लाल रंग का नहीं होता, और हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा पर्याप्त होती है, इसीलिए हमारे शरीर में जो रंग होता है खून का वो लाल होता है।
नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं? तो दलहनी फसलों की जड़ों यानी गांठों में पाए जाते हैं, जो दलहनी फसलें होती है उनकी जड़ों या गांठों में पाए जाते हैं। पौधे नाइट्रेट तथा नाइट्राइड के रूप में ही नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं, ये ध्यान देना, डायरेक्टली वो नाइट्रोजन ग्रहण नहीं करते, नहीं तो वायुमंडल से बहुत अधिक मात्रा में वो नाइट्रोजन ग्रहण कर सकते थे, लेकिन नाइट्रेट के फॉर्म में ग्रहण करते हैं, जिसके लिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण का प्रोसेस होना जरूरी है। आगे देखते हैं, जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो क्या प्रभाव पड़ेगा? त्रिज्या बढ़ जाती है। जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो क्या प्रभाव पड़ेगा? त्रिज्या बढ़ जाती है, यानी बुलबुले का आकार बढ़ जाता है। जैसे मान लो कि अगर एक कोई छोटा सा बुलबुला है, जब इसे आप धनात्मक आवेश दोगे या ऋणात्मक, तो सामान्यतः इसका आकार बड़ा हो जाएगा, तो जो इसकी त्रिज्या थी वो त्रिज्या बढ़ गई। नेक्स्ट अगर आप देखोगे, ऑक्सीटोसिन क्या है? एक पादप हार्मोन है। एस्पार्टम क्या है? संश्लेषित मधुरक है। नियोप्रीन क्या है? विशिष्ट रबड़ है। रेयान क्या है? कृत्रिम फाइबर है जो कि सेलुलोज से बना हुआ है। तो आप देखोगे ये रिपीटेड प्रश्न है, कई बार आप रिपीट हो रहे हैं। थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल पदार्थ गर्म या ठंडा रहता है, जो आप कई बार मिल्टन की बॉटल देखते हो ना, जिसमें अगर आपने कोई वस्तु रख दिया, कोई लिक्विड फॉर्म, अगर गर्म दूध गर्म चाय रखी तो गर्म रहेगा, अगर ठंडा पानी या ठंडी चाय रखी ठंडा दूध रखा तो ठंडा ही रहेगा, क्योंकि ऊष्मा की इसमें ना तो हानि होती है कोई और ना ही प्राप्ति होती, मतलब ऊष्मा की हानि प्राप्ति कुछ भी नहीं होती है, और इसकी वजह से चालन संवहन और विकिरण इन तीनों मेथड से जो है कि इनकी ना हानि प्राप्ति कुछ भी नहीं होती है, इसीलिए थर्मस फ्लास्क में जो भी लिक्विड अगर आप जिस पोजीशन पे रख रहे हो जिस पैटर्न पे रख रहे हो उसी तरीके की उसकी क्वालिटी या उसका गुण बना रहेगा। आगे देख लेते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है, मानव शरीर में अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि कौन सी है? तो भाई अग्नाशय एक अपवादी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी होने के तौर पे हार्मोन को सीक्रेट करती है, जिसको हम लोग इंसुलिन हार्मोन के नाम से जानते हैं, जो आपके ब्लड में ग्लूकोज को नियंत्रित करती है, और बहिर्स्रावी के रूप में ये एंजाइम का भी सीक्रेशन करती है। किसका? एंजाइम का भी। तो ये एक अपवादी ग्रंथि है जो दोनों क्वालिटी को दिखाती है। आगे हम पदार्थ और उनके उपयोग की बात करेंगे। जैसे सिल्वर ब्रोमाइड की बात करें तो ये फोटोग्राफिक इमल्सन, जो फोटोग्राफिक हम करते हैं, फोटो वगैरह खींचते हैं कैमरे वगैरह से रील्स वगैरह के लिए, तो उसमें सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग होता है। सिल्वर आयोडाइड फिर से रिपीटेड हो गया, आर्टिफिशियल रेन कराने के लिए। लिथियम बाइकार्बोनेट तो ये गठिया का उपचार करने के लिए होता है, और दूधिया मैग्नीशिया जिसे कहते हैं ये प्रति अम्ल होता है, एंटी एसिड होता है। फिर तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व क्यों स्वीकार करते हैं? क्योंकि इसमें फिनॉल फ्लेवोनाइड की उपस्थिति होती है, ये जो दोनों चीज़ें होती हैं दवा के रूप में काम करती है, फिनॉल और फ्लेवोनाइड के रूप में, तो तुलसी का औषधीय महत्व यही होता है। फिर उसके बाद अगर हम देखें अलवणीकरण, तो वही अलवणीकरण समुद्री जल में हो गया, प्रतिलोम परासरण पेयजल हो गया, विकृतिकरण प्रोटीन हो गया, पास्तुरीकरण दूध में जीवाणुओं को नष्ट करना, ये एक प्रोसेस है पूरा। नेक्स्ट है, मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल कौन सा रोग बनाएगा? बेरी बेरी रोग बनाएगा, क्योंकि विटामिन B1 नष्ट हो जाते हैं, इनकी कमी होती है, यह भी प्रश्न हमने पढ़ लिया, तो ये भी देखिए रिपीट हो गया। कौन सा एक शाकनाशक का उदाहरण है? सोडियम क्लोरेट उसे कहते हैं, जो शाकनाशक का मतलब होता है, जो भोजन के लिए जो पौधे वगैरह लगाते हैं, खेती वगैरह की जाती है, उसमें कई बार होता है कि जो खरपतवार होते हैं उनके नष्ट करने के लिए शाकनाशक का प्रयोग किया जाता है, जो सोडियम क्लोरेट से बना होता है, सोडियम क्लोरेट भी उसका उदाहरण है। अब यहाँ पे कीटनाशी की बात करेंगे, जैसे DDT हो गया, गैमेक्सेन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सभी क्या करेंगे? ये सभी कीटाणुओं को मारेंगे, बैक्टीरिया को मारेंगे, फंगस को मारेंगे, लेकिन जो शाकनाशी होती है, जो घास वगैरह पैदा हो जाती हैं या विदेशी आक्रमण प्रजातियां जो पैदा हो जाती हैं उनको मारती है, जैसे बेंजीपॉम, सोडियम क्लोरेट, सोडियम आर्सोनेट, ये सभी इसके प्रयोग होते हैं। अब बात करेंगे विटामिन और प्रचुर स्रोत की, तो जैसे विटामिन B6 की बात करेंगे तो धान की चोकर इसमें इंपॉर्टेंट है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं इसे। विटामिन B2 के लिए आप हरी सब्जियां और अंडे खा सकते हो, विटामिन E के लिए आप गेहूं अंकुरित तेल खा सकते हो, और विटामिन K के लिए आपको अल्फा अल्फा खाना चाहिए, अल्फा अल्फा। नेक्स्ट आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 13, ए और आर, कथन ए और कारण आर क्या कह रहा है? अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं होते हैं, यह बात तो बिल्कुल सही है, और लगभग 30 विटामिन खनिज आहारीय घटकों को अनिवार्य सूक्ष्म पोषक तत्व तो कहते हैं, यह भी सही है, यानी 30 हमारे जो ऐसे विटामिन खनिज आहारीय घटक होते हैं जो हमारे शरीर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इनको हम सूक्ष्म पोषक तत्व तो भी कहते हैं, तो दोनों स्टेटमेंट तो सही है लेकिन इसकी व्याख्या सही नहीं है। फिर यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 की बात करें तो केवलार की बात करें तो ये संश्लेषित रेशा होता है, टैक्सोल की बात करें तो कैंसर रोधी दवा होती है, जिंक फास्फाइड की बात करें तो रोडेंटनाशी होता है, रोडेंटनाशी जिसे कहते हैं, और नाइट्रोसेलुलोज की बात करें तो विस्फोटक होता है, क्या होता है? नाइट्रोग्लिसरीन सेलुलोज भी कह सकते हो,
ठीक है, और नाइट्रोसेलुलोज की बात करें तो विस्फोटक होता है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के नमूने को हवा में खुला रखने पर कुछ समय पश्चात वो गायब हो जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे कपूर वगैरह क्या होती है, शुष्क बर्फ क्या होती है, ये सभी ऊर्ध्वपातन के एग्जाम्पल होते हैं। अच्छा, जो शुष्क बर्फ होती है ना, ड्राई आइस, ये कुछ और नहीं है दोस्तों, बस इतना जान लो जमी हुई कार्बन डाइऑक्साइड है, जमी हुई कार्बन डाइऑक्साइड है और कुछ नहीं है। कई बार आप देखोगे, अब ये नया ट्रेंड है शादी वगैरह में क्या होता है, रास्ते के बीच में एक बादल बनाने के प्रोसेस किया था, जैसे लगता है धुआं धुआं पूरा बादल बन गया हो और वहां पे राजा रानी की शादी हो रही हो, तो वहां पे शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस का प्रयोग किया था, जो कि कुछ और नहीं जमी हुई कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अगला प्रश्न, प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण किस घटना पर आधारित है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर आधारित है प्रकाश ऊर्जा ऑप्टिकल फाइबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, एंजाइमों के संदर्भ में सत्य कथनों की पहचान कीजिए, एंजाइम के बारे में, तो ये जैव उत्प्रेरक होते हैं, बिल्कुल सही बात है, ये बायो उत्प्रेरक होते हैं और ये शरीर में वहीं कार्य करते हैं जहाँ पे उत्पादित होते हैं, यानी एंजाइम अगर पेट में पैदा हो रहा है पेप्सिन और रेनिन, तो ये वहीं पर काम करेगा पेट में, ऐसा नहीं है कि पूरे शरीर में घूमेगा, ठीक है। और अगर आपकी छोटी आंत में कोई एंजाइम निकल रहा है तो वो वहीं पे काम करेगा छोटी आंत में, ये नहीं कि पेट में जाके खाने को पचा दे, ऐसा नहीं है। तो एंजाइम की विशेषता होती है जहाँ पे पैदा होता है वहीं पर ये काम करते हैं। माँ का दूध लगभग संपूर्ण आहार माना जाता है, किंतु इसमें एक चीज का अभाव होता है, लौह तत्व का, आयरन। इसीलिए जो माता प्रेग्नेंट होती हैं या प्रेगनेंसी या डिलीवरी के दौरान उनको आयरन की गोली दी जाती है डॉक्टर के द्वारा, ताकि उन माताओं में आयरन की कमी ना हो, जिससे उनके शरीर में कोई कमजोरी ना हो, और अपने बच्चे को जब वो स्तनपान कराएंगी, दूध पिलाएंगी, तो उस दौरान जो है कि उनके शरीर में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, इसलिए आयरन की टैबलेट्स वगैरह खिलाई जाती है। पदार्थों को पहली बार लैब में संश्लेषित किया गया या बनाया गया तो उसका क्रम पूछ लिया गया, जैसे केवलार को 1964 में, फिर फुलरिन को 1965, ग्रेफीन को 2004, ब्लैक गोल्ड को 2019। हालांकि चारों ही आपके कार्बन के अपरूप माने जाते हैं, जिसमें फुलरिन और ग्रेफीन सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। अगला प्रश्न, श्याम विवर, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, ब्लैक होल कहते हैं, यह एक सिमटा हुआ तारा होता है, यानी जब कोई तारा अपनी मृत्यु की ओर जाता है, मृत्यु की अवस्था की ओर जाता है, तो उसे हम ब्लैक होल की कंडीशन कहते हैं। हालांकि इसमें अगर सौरिक द्रव्यमान से 1.44 गुना अधिक है, जो कि चंद्रशेखर सीमा के नाम से जाना जाता है, तो इसके नामकरण बदलते, यानी कि कौन कौन सी स्थितियां उसे बनती हैं उसको डिफाइन किया जाता है। अब बात करेंगे 2018 की, चलिए 2018 का क्वेश्चन देख लेते हैं कि सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया से क्या पैदा होता है, यानी कि पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया से क्या पैदा होता है, ओजोन 3 पैदा होता है। अगला प्रश्न है आपका, क्या है अगला प्रश्न, कि विद्युत चुंबकीय विकिरण, जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं, इसमें ऊर्जा का अवरोही क्रम क्या होता है। तो देखो, सबसे अधिक जो एनर्जी होती है वो गामा किरणों में होती है, फिर एक्स किरणों में, फिर पराबैंगनी किरणों में, फिर दृश्य प्रकाश में, फिर अवरक्त में, फिर उसके बाद माइक्रोवेव, और उसके बाद रेडियो तरंगे। तो आप देखोगे सूर्य से आने वाली किरणों में गामा किरणें, एक्स रेज, पराबैंगनी और दृश्य प्रकाश, यानी जो सोलर एनर्जी आती है, सूर्य का प्रकाश आता है जिसे हम दिन में देख पाते हैं, वो दृश्य प्रकाश हो, और इसके परिणाम स्वरूप जब पृथ्वी से जो है कि कुछ प्रकाश को वापस रिटर्न किया था, यानी कि तरंगों को रिटर्न किया था, तो उसे रेडियो तरंगे, माइक्रोवेव और अवरक्त तरंगे कहते हैं, जिनको हम इंफ्रारेड कहते हैं। तो ये इसका क्रम था पूरा अवरोही में, जिसके पास एनर्जी की कमी होती जा रही है। फिर बात करेंगे कौन सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक की स्थिति में है, तो जर्मेनियम और सिलिकॉन, जर्मेनियम और सिलिकॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ध्वनि का वेग, अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है किसमें, स्टील में कितना होता है, 5900 मीटर प्रति सेकंड, जल में कितना होता है, 1498 मीटर प्रति सेकंड, वायु में कितना होता है, 346 मीटर प्रति सेकंड, निर्वात में कितना होता है, शून्य। क्योंकि ध्वनि क्या होती है, एक तरीके से ठोस वस्तु के लिए काम करती है, अर्थात इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है, और निर्वात में बिल्कुल भी नहीं हो सकती, इसलिए ध्वनि निर्वात में क्या होती है, शून्य हो जाती है। अगला प्रश्न, आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था किसके लिए, प्रकाश वैद्युत के सिद्धांत के लिए, प्रकाश वैद्युत के सिद्धांत के लिए आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज दिया गया था। किसका आविष्कार विलहम रोटेंजन द्वारा किया गया था, एक्सरे मशीन का आविष्कार विलियम रोटेंजन द्वारा किया गया था, विलहम रोटेंजन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग क्या है दोस्तों, मीथेन, जो कि 80-85-90% तक पाया था। रेनेटिंग क्या होता है, ये पनीर से संबंधित है। जैव प्रौद्योगिकी, ये प्लाज्मिड्स इसका प्रयोग होता है। गोल्डन चावल में विटामिन ए का प्रयोग होता है। ओजोन परत में स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि समताप मंडल में पाई जाती है। इसके बाद है, गिद्धों के विलुप्ति का प्रमुख कारण क्या है, तो डाइक्लोफेनिक दवा,
जो गिद्ध वगैरह आप जो समाप्त होते जा रहे हैं एक तरीके से, तो डाइक्लोफेनिक दवा इसके लिए जिम्मेदार है। क्योंकि पहले क्या होता था, जो पशुओं को जो पेन किलर के रूप में प्रयोग किया जाता था, तो डाइक्लोफेनिक दवा दी जाती थी, और जब वो पशु मर जाते थे, सड़कों के किनारे पड़े रहते थे, तो उनको गिद्ध खाते थे और इस तरीके से सफाई कर्मी की भूमिका निभाते थे, अर्थात सामाजिक रूप से वो सफाई कर्मी भी कहलाते थे कि वो समाज में गंदगी की सफाई कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने मांस खाना शुरू किया और उनके शरीर में मांस की मात्रा बढ़ती गई, कंज्यूमर ज़्यादा होने लगे, और इस वजह से वहाँ पे जो डाइक्लोफेनिक दवा थी जो कई सालों तक जो है कि अपने असर को रखती है, तो ये धीरे धीरे गिद्ध में भी पहुँचने लगी और उन पर असर करके उनको भी समाप्त करने लगी। ग्रेफीन की बात करें तो क्या है, कार्बन का ये नैनो प्रतिरूप है। धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली पदार्थ होता है, तो उसको पैन कहते हैं, यानी कि पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, जो कि पैन क्या है, एक द्वितीयक प्रदूषक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, डीएनए की द्विकुंडलित संरचना दी गई है किसके द्वारा, वाटसन और क्रिक के द्वारा दी गई, और इसमें चार नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, और यही मैं आपको बता रहा था जब मैंने कहा था नाइट्रोजन किसका घटक है, तो वहां पे डीएनए और आरएनए दोनों का घटक मैंने बात की थी। तो यहाँ पर अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, कीटों से प्राप्त होते हैं क्या क्या, कीटों से प्राप्त होता है भैया, रेशम भी प्राप्त होते हैं, शहद भी प्राप्त होता है, लाख भी प्राप्त होता है, ठीक है। कीट का मतलब क्या होता है, बहुत बड़ी प्रजाति होती है, इसमें मधुमक्खी भी तो आती है जो आपके शहद को पैदा कर रही है, रेशम के कीट भी आते हैं, लाख के कीट भी आते हैं, तो मुलायम ऊतक वाले जीव से जो कि प्राप्त होते हैं उसे मोती कहते हैं। आप ध्यान से समझना, जो ये मोलास्क से प्राप्त होने वाले घटक होते हैं वो मोती कहलाते हैं, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, जबकि बाकी तीनों किससे प्राप्त होते हैं, कीटों से प्राप्त होते हैं, और यही अंतर इसमें पूछा गया था। इंसिनरेटर्स की बात करेंगे, इंसिनरेटर्स का प्रयोग किया जाता है किसके लिए, कूड़ा कचरा को जलाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, और यह अपशिष्ट उपचार की एक तकनीक भी है। सुपरसोनिक क्रूज ब्रह्मोस जो कि किसका संयुक्त उपक्रम है, ब्रह्मोस मिसाइल, ये भारत और रूस का संयुक्त उपक्रम है, इसे जमीन से, हवा से, पानी से, पनडुब्बी से, युद्धपोत से, कहीं से भी लॉन्च कर सकते हो, और 290 किलोमीटर तक इसको दागा जा सकता है, हालांकि अब इसकी डिस्टेंस जो है कि 400 किलोमीटर तक बढ़ा दी गई है। आगे देखते हैं ग्लोबल विलेज, ग्लोबल विलेज की जो संकल्पना आधारित है ये परिवहन और संचार के विकास पर आधारित है, यानी अब एक गांव जैसा हो गया है पूरी दुनिया, आपको कहीं भी जाना है, एयरपोर्ट पकड़ो, ट्रेन पकड़ो, फ्लाइट पकड़ो, कहीं से भी निकल जाओ, अब कोई बैरियर नहीं है कि आप दूसरे देश में नहीं जा सकते। अगला पॉइंट है आपका 2017 PYQs का, अगर हम देखते हैं, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना, और यहाँ तक अगर आप लोगों ने वीडियो को देखा है तो नो डाउट आपको पसंद आ रही है चीज़ें, और वीडियो लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आप इसकी PDF को बाय करना चाहते हो तो वीडियो के नीचे भी नंबर दिया, नहीं तो मैं लिख देता हूँ 8527594636, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर लेना। नेक्स्ट बात करेंगे संस्थान की और वो शहर की, जैसे वन अनुसंधान संस्थान की बात करेंगे तो देहरादून से संबंधित है, भारतीय चारागाह चारा अनुसंधान संस्थान की बात करें तो झांसी में है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जिसको कजरी कहा जाता है जोधपुर में है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ये नई दिल्ली में स्थित है, तो ये संस्थान भी कई बार पूछे जाते हैं। फिर यहाँ पे कुछ प्रदूषक हैं और उनसे होने वाली बीमारी, जैसे पारा से क्या होता है, मिनीमाता रोग हो जाता है, कैडमियम से क्या होता है, इटाई रोग होता है, नाइट्रेट आयन से क्या होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, फ्लोराइड आयन से क्या होता है, दांत और हड्डियाँ जो है कि भंगुर हो जाती हैं, दांत और हड्डियाँ कमजोर हो जाती हैं फ्लोराइड आयन से। फिर उसमें सुई चुभाने पर किसे दर्द महसूस नहीं होता है, सुई चुभाने पर किसे दर्द महसूस नहीं होगा, मस्तिष्क को, ध्यान देना, आप बॉडी के किसी भी पार्ट में सुई चुभोगे तो वहां से तुरंत न्यूरॉन्स के माध्यम से सिग्नल जाता है मस्तिष्क के पास कि भाई आपको कोई चुभो रहा है, लेकिन अगर आपने मस्तिष्क में सुई लगा दी ना तो मस्तिष्क को कोई पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि हमें जो संकेत प्राप्त होते हैं वो न्यूरॉन्स से होते हैं, और न्यूरॉन्स से जो है कि प्राप्त होने की वजह से मस्तिष्क को कोई भी महसूस नहीं होता है। अगला प्रश्न, फलों में मीठे स्वाद का क्या कारण होता है, तो फल किससे होते हैं, फ्रक्टोज से मीठे होते हैं, दूध में क्या होता है, लैक्टोज होता है। हार्मोन और कार्य की बात करेंगे, यहाँ पे इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, रक्त शर्करा का नियंत्रण करता है यानी कि ब्लड में जो ग्लूकोज होती है उसको कंट्रोल करता है। मेलाटोनिन क्या करता है, निद्रा का नियंत्रण करता है यानी मेलाटोनिन का अगर सिक्रेशन ज़्यादा होगा तो आपको नींद ज़्यादा आएगी। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, स्तन ग्रंथियों से दूध का भी स्राव करता है ये, और ऑक्सीटोसिन। और गैस्ट्रिन की बात करें तो ये भोजन के उपापचय का नियमन भी करता है यानी कि भोजन की जो मेटाबॉलिज्म क्रिया होती है उसको रेगुलेट करती है।
ऊपर दोस्तों एक गलती हो गई है, ऑक्सीटोसिन मैंने पादप हार्मोन के रूप में बोल दिया है, जरा उसको सही कर लेना। वो पादप हार्मोन नहीं बल्कि ह्यूमन हार्मोन होता है, स्पेशली वो अस्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव करता है। सिंपल सी बात है, जब एक औरत जो कि बच्चे पैदा नहीं की होती उससे पहले उसके अस्तनों से कोई दूध नहीं निकलता, क्योंकि उसके शरीर में उस दौरान ऑक्सीटोसिन हार्मोन एक्टिव नहीं होता। लेकिन जैसे ही जब उसने किसी बच्चे को जन्म दिया तो अस्तन ग्रंथियों में ऑक्सीटोसिन हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उसके अस्तनों से दूध निकलने लगता है और बच्चे को दूध का मतलब दूध का जो पोषण होता है वो मिलने लगता है। तो ऑक्सीटोसिन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यूरिया है दोस्तों, यूरिया क्या है, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है। ये एक यौगिक तो है लेकिन नाइट्रोजन से युक्त कार्बनिक यौगिक है। एलपीजी सिलेंडर मुख्य रूप से प्रोपेन और ब्यूटेन पाए जाते हैं, लेकिन जो इसकी रिसाव होते हैं तो इसमें दुर्गंध किससे पता चलती है, इथाइल मरकैप्टन से, यही मैं आपसे कह रहा था उधर ऊपर साइड में। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों, घेंगा रोग होता है। प्राकृतिक बहुलक क्या होते हैं, प्राकृतिक मतलब नेचुरल बहुलक कौन से होते हैं, रेशम होते हैं, जबकि कृत्रिम बहुलक जिन्हें तैयार किया था बैकेलाइट केवलार लैक्सान होते हैं। कथन की बात करें, मानव शरीर सेलुलोज पाचन में असक्षम है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो सेलुलोज होते हैं वो प्राकृतिक घटक होते हैं, सामान्यतः पेड़ पौधों में पाए जाते हैं और इसको डायरेक्टली कोई भी व्यक्ति पचा नहीं सकता। आप देखो ना, आपको अगर मैं घास दे दूँ, पत्तियां दे दूँ, बहुत सारी चीज़ें खाने के लिए, तो रेगुलर बेस पे आप उन्हें पचा नहीं पाओगे। अगर आप रोज अगर एक अमरूद की पत्ती खा रहे हो, जामुन की पत्ती खा रहे हो, तो एक खा रहे होगे लेकिन बहुत ज़्यादा पत्तियां नहीं खा पाओगे, जबकि वही जानवर को दे दो वो सारी पत्तियां चबा लेगा, क्योंकि उसके शरीर में क्षमता है सेलुलोज को पचाने की, लेकिन आपके शरीर में नहीं है। और मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम डायस्टेस विद्यमान होता है, दोनों सही है लेकिन इसकी व्याख्या सही नहीं है। अगला प्रश्न है, विटामिन B12 की बात करेंगे तो प्रति अरक्तता कारक होता है, फिर विटामिन सी की बात करें प्रति स्कर्वी कारक होता है, विटामिन डी की प्रति रिकेट्स कारक होता है, विटामिन के प्रति रक्त स्रावी कारक, विटामिन ई बंधता रोधी कारक होते हैं, यानी इन समस्याओं से निजात पाने के लिए इसमें कारक पाए जाते हैं। अब यहाँ पे कुछ उदाहरण देते हैं, टार्टेरिक अम्ल का जो उदाहरण है अंगूर इमली केला, ठीक है, टार्टेरिक अम्ल के जो उदाहरण है वो अंगूर इमली और केला है। सिट्रिक अम्ल के जो उदाहरण हैं वो नींबू संतरा और आंवला है, सिट्रिक अम्ल के। और एसिटिक अम्ल के जो उदाहरण हैं वो कौन से हैं, सिरका है, क्या होते हैं, सिरका। तो देखो टार्टेरिक अम्ल के जो उदाहरण हैं वो अंगूर हो गए, इमली हो गई और केला हो गया, लेकिन सिट्रिक अम्ल के जो उदाहरण हैं वो नींबू हो गया, संतरा हो गया और आंवला हो गया, एसिटिक अम्ल के उदाहरण सिरका होते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, पर्यावरणीय प्रदूषणकारी ईंधन कौन कौन से ऐसे ईंधन है जो प्रदूषण फैलाते हैं पर्यावरण में, डीजल हो गया, मिट्टी का तेल हो गया, कोयला हो गया, जबकि अगर आप न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण जो फैलाने वाले जो ईंधन है वो सामान्यतः हाइड्रोजन है, हालांकि हाइड्रोजन में कोई बायो प्रोडक्ट निकलता ही नहीं है, बायो प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पे केवल और केवल जल की प्राप्ति होती है, किसकी प्राप्ति होती है, जल की, और जल कभी भी प्रदूषण के रूप में नहीं माना जाता। इसीलिए आप देखोगे कि डीजल, मिट्टी के तेल, कोयले और पेट्रोल ये सब क्या है, जीवाश्मिक ईंधन है जो कहीं ना कहीं प्रदूषण फैलाते हैं, लेकिन आप हाइड्रोजन को देखोगे तो ये प्रदूषण नहीं फैलाते, इसीलिए अब हाइड्रोजन के ईंधन के प्रयोग करने पर भारत सरकार और दुनिया की अनेक सरकारें बल दे रही हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पे कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है, यानी कि कृत्रिम जो उपग्रह आर्टिफिशियल जो आपका सेटेलाइट है उसे पृथ्वी से ट्रैक किया जाता है, किसके माध्यम से, डॉपलर प्रभाव के द्वारा, क्योंकि ध्वनि की आवृत्ति बदलने की घटना को ही डॉपलर प्रभाव कह देते हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न कई बार आता है कि 100 वाट वाले 5 बल्ब लगातार 20 घंटे तक जलने पर संपूर्ण विद्युत खर्च कितना होगा यूनिट में, तो सिंपल सी बात है, एक बल्ब की क्षमता अगर 100 वाट है तो 5 बल्ब जल रहे हैं यानी कि 500 वाट हो गए, और संपूर्ण विद्युत खर्च होता है उसका फॉर्मूला होता है किलो वाट इंटू घंटा। अब किलो वाट को अगर मैंने वाट प्रति 1000 लिख दिया, बात एक ही है, क्योंकि एक किलो वाट बराबर क्या होता है, 1000 वाट होता है, और यहाँ पे कितने वाट थे, 500 वाट बटे 1000 इंटू 20 घंटे, तो देखो कि 10 यूनिट आ गया। यह प्रश्न कई बार रिपीट होता है। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं, पित्ताशय में उपस्थित पत्थर किसका पाचन प्रभावित करता है, तो ये वसा का प्रभावित करता है। पित्ताशय पत्थर का मतलब क्या हो गया, स्टोन, जो पथरी जिसे आप कहते हो, अगर ये गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय मतलब गॉल ब्लैडर होता है, अगर इसमें स्टोन ज्यादा है तो आप जितना भी फैटी चीज खा रहे हो, वसा खा रहे हो, ऑयली चीज खा रहे हो, उसका पाचन नहीं हो पाएगा। मोबाइल चार्जर है एक अपचाई ट्रांसफर है, जो आपके पास मोबाइल का जो चार्जर वो एक अपचाई ट्रांसफर है, इसका मतलब वोल्टेज को घटाने का काम करता है, वोल्टेज को बढ़ाने का काम नहीं कर, मतलब ऊंचाई जो ट्रांसफर होता है ये वोल्टेज को बढ़ाने का काम करता है। अब ध्यान देना, आप लोग अगर मोबाइल को चार्जर में लगाते हो और कई बार होता है कि लाइट तो बहुत तेज आ रही होती है लेकिन आपके मोबाइल को उतनी ज़्यादा जो है कि एनर्जी नहीं चाहिए, तो चार्जर के माध्यम से क्या होता है, उस एनर्जी को रिड्यूस किया जाता है, वोल्टेज को घटाया जाता है, तब आपके मोबाइल को चार्ज किया जाता है। लेकिन जो ऊंचाई ट्रांसफर होते हैं वो क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर, वो सामान्यतः वोल्टेज को बढ़ाने का काम करते हैं।
आनुवंशिक रोग की बात करें तो रंजकहीनता, वर्णांधता और हीमोफीलिया, ये तीन जो है कि प्रमुख बीमारियां होती हैं आनुवंशिक रोग में। कटा हुआ हीरा चमकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। उत्पाद और स्रोत की बात करें, अफीम की बात करें तो ये फल से प्राप्त होता है, यानी कि पेपेवर सोनी ने फेरस पौधे के, और हींग प्राप्त होता है जड़ से, फेरुल फोइटिडा जो प्रजाति होती है, रबड़ प्राप्त होता है तना से, पुनैन प्राप्त होती है सिंकोना के छाल से, जो कि मलेरिया के लिए प्रयोग किया जाता था दवा के रूप में। नाइट्रोजन स्थिरीकरण की बात करेंगे तो इसमें जो फसलें हैं जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी, ये धान के लिए होती है, राइजोबियम लेग्यूमिनेसी मटर के लिए होती है, एजेटोबैक्टर मैंने बताया था आपको गेहूं के लिए, अजोला की बात करेंगे तो धान के लिए होती है। अब यहाँ पे अगला प्रश्न 2016 का, जैसे यहाँ कह रहा है कि किसे पायरोमीटर कहा जाता है, तो पायरोमीटर सामान्यतः क्या होता है, विकिरण तापमापी होता है, क्योंकि सामान्यतः 800 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापीय सतह का मापन करता है, यानी अगर कोई वस्तु या कोई सतह इतनी अधिक गर्म है जिसका तापमान 800 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक है तो उसको मेजरमेंट करने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। डायनमो की बात करें तो यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है, यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। फिर यहाँ पर हम कुछ और मापन करेंगे, जैसे वायु गति का मापन आपके एनीमोमीटर से होता है, वायु दाब का मापन आपके बैरोमीटर से होता है, हवा का घनत्व मापा जाता है हाइड्रोमीटर से, हाइड्रोमीटर से, क्योंकि हाइग्रोमीटर से जिसको हम अगर लिख देते हैं इस तरीके से हाइग्रोमीटर, तो इससे आर्द्रता मापी जाती है, आर्द्रता ह्यूमिडिटी, लेकिन हवा का घनत्व नापने के लिए हाइड्रोमीटर। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ कल्चर हैं, जैसे वीटी कल्चर से अंगूर की खेती होती है, वेजी कल्चर से वृक्षों की खेती होती है, पीसी कल्चर से मछली पालन होता है, और ओलेरी कल्चर से हम सब्जी की खेती करते हैं। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न है, वायु शक्ति या विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत में ऊर्जा में परिवर्तित होता है, तो उसे हम कहते हैं गतिज ऊर्जा, क्योंकि जब विंड पावर बहुत तेजी से चलती है, यानी कि उसकी पंखुड़ियां बहुत तेजी से चलती हैं, तो कहीं ना कहीं उस पूरी ऊर्जा को स्टोर करके इलेक्ट्रिक ऊर्जा में बदल देती है, जो कि गतिज ऊर्जा के फॉर्म में जानी जाती है। न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा, D2O, अर्थात D2O आपका कूलेंट के रूप में भी प्रयोग होता है और साथ ही साथ उसको कंट्रोलर के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी कि उस प्रक्रिया को रोकने के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है, जो वायु प्रदूषक होते हैं वो ऑक्सीजन की अपेक्षा शीघ्रता से हीमोग्लोबिन में घूम जाते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड उसे हम कहते हैं, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन की अपेक्षा हीमोग्लोबिन से क्रिया करने के लिए 300 गुना तेजी से काम करता है, यानी अगर ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन एक साथ हैं और साथ में अगर कार्बन मोनोऑक्साइड ले लो तो ऑक्सीजन की क्रिया नहीं हो पाएगी उतनी देर में, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है कि क्रिया करके किनारे भी हो जाएगा, अर्थात वो एक प्रदूषण के रूप में काम करेगा। फिर अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन के बारे में सत्य कथन की बात करें, रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, बिल्कुल सही, लौहयुक्त यौगिक है, यह भी सही है, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, यह भी सही, क्योंकि जो ग्लोबिन होती है प्रोटीन वो लाल रंग की होती है, इसलिए ब्लड को भी लाल रंग प्रदान होता है। प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं क्या, सौर सेल को ही तो कहते हैं प्रकाश वोल्टी, जो लाइट को क्या करते हैं, प्रकाश ऊर्जा को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। जल के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन क्या कहलाता है, जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन म्यूटेशन कहलाता है, अर्थात उत्परिवर्तन। फिर विटामिन ए का जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो गेहूं अंकुर का तेल माना जाता है। कैफीन क्षारक उपस्थित होता है, कैफीन किस में मिलता है, आपको चाय में भी मिलेगी और कॉफी में भी मिलेगी, चाय और कॉफी दोनों में ही कैफीन की मात्रा पाई जाती है, जबकि तंबाकू और सिगरेट में निकोटिन की मात्रा पाई जाती है, किसकी, निकोटिन की। फिर मस्तिष्क जिम्मेदार होता है सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण के लिए, शरीर के संतुलन के लिए, इसके लिए हृदय जो मस्तिष्क होता है वो जिम्मेदार होता है। तो यहाँ आप देखोगे कि जो मस्तिष्क जिम्मेदार होता है वो किसके लिए होता है दोस्तों, सोचने के लिए, हृदय गति के नियंत्रण के लिए और शरीर के संतुलन के लिए। अब यहाँ पर हम मस्तिष्क की थोड़ी संरचना पढ़ लेते हैं। मस्तिष्क में सामान्यतः तीन भाग होते हैं, अग्रभाग, मध्य भाग, पश्च भाग। अग्रभाग में आपके थैलेमस और हाइपोथैलेमस दोनों से मिलकर तैयार होता है, जो मस्तिष्क का आगे वाला पार्ट होता है ना, जो आपको दिख रहा होता है, वो अग्रभाग में थैलेमस और हाइपोथैलेमस दोनों होते हैं, जिसमें थैलेमस क्या करता है, मेमोरी के लिए काम करता है, इमोशनल के लिए काम करता है और नॉलेज के लिए काम करता है, यानी स्मृति, भावुकता और बोध ज्ञान। जबकि हाइपोथैलेमस आपके ब्लड प्रेशर को तैयार करता है, बॉडी टेम्परेचर को तैयार करता है, प्रजनन क्षमता को आपको रेगुलेट करता है और हृदय की धड़कनों को भी रेगुलेट करता है, यानी शरीर ताप, रक्तचाप, प्रजनन क्षमता और हृदय की धड़कन। जबकि अगर हम पश्च भाग की बात करेंगे तो इसमें भी दो पार्ट आते हैं, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लिगांटा। सेरिबेलम आपके गति नियंत्रण, शरीर संतुलन, यानी ऐच्छिक पेशियां जो हम अपने
मतलब कि ऐच्छिक पेशियां होंगी, और मेडुला ऑब्ला घंटा क्या करती है, अनैच्छिक पेशियों की गति करते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें, पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं किस रूप में, नाइट्रेट के फॉर्म में प्राप्त करते हैं, और इसीलिए नाइट्रोजन का स्थिरीकरण भी उन्हें करना पड़ता है। थायमिन की बात करें तो इससे बेरी बेरी रोग होता है, एस्कार्बिक अम्ल की कमी से स्कर्वी होता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन के की कमी से रक्त जमने की बीमारी, वंशानुगत की वजह से वर्णांधता होती है। ल्यूकेमिया कैंसर में वृद्धि होती है किसकी, डब्ल्यूबीसी की। डब्ल्यूबीसी में अचानक अगर वृद्धि होने लग जाए तो आप ये समझो ल्यूकेमिया कैंसर हो रहा है, क्योंकि सामान्यतः डब्ल्यूबीसी में जो संख्या होती है 5000 तक होती है बस। अगला प्रश्न है, जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता है कि उसे भोजन करना कब रोक देना चाहिए, वो एक बीमारी से पीड़ित होता है जिसको हम कहते हैं बुलिमिया बीमारी, यानी कि ईटिंग डिसऑर्डर। उसे पता ही नहीं चल रहा है कि एक रोटी, दो रोटी, दस रोटी, पंद्रह रोटी, बीस रोटी वो खाता जा रहा है, खाता जा रहा है। उसे पता ही नहीं चल रहा है कि उसे कब बंद करना चाहिए खाना, तो बुलिमिया बीमारी उसे कहते हैं, बुलिमिया यानी ईटिंग डिसऑर्डर। रक्त सर्वाग्राही कौन है, यानी जो सबका ब्लड ले सकता है, ए बी, और रक्त सर्वदाता है जो सबको दे सकता है, ओ, जिसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान जिसको इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहते हैं, IVRI, जो कि इज्जत नगर बरेली में स्थित है। अब यहाँ पे जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु जो प्रयुक्त किया जाता है, जैसे ओजोन, क्लोरोमीन, क्लोरीन डाइऑक्साइड, इनका प्रयोग करके हम जल को जीवाणु मुक्त कर सकते हैं। आयोडीन 131 की बात करेंगे तो थायराइड कैंसर के इलाज के लिए होता है। फास्फोरस 32 की बात करें तो रक्त कैंसर या ल्यूकेमिया के इलाज के लिए। कोबाल्ट 60 की बात करेंगे तो ट्यूमर के उपचार के लिए होता है। नेक्स्ट है, मिर्च की तीक्ष्णता का कारण क्या है, मिर्च तीखी क्यों लगती है, क्योंकि इसमें कैप्सिसिन की उपस्थिति होती है। टमाटर का लाल रंग क्यों होता है, लाइकोपीन की उपस्थिति से। गाय का दूध हल्का पीला क्यों होता है, कैरोटीन की उपस्थिति से। प्याज का गुलाबी रंग क्यों होता है, एंथोसाइनिन की उपस्थिति से होता है। किसकी उपस्थिति से, एंथोसाइनिन की उपस्थिति से। नेक्स्ट आप देखोगे, एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर प्रयोग किया जाता है, तो सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी खमीर प्रयोग किया जाता है। बायोगैस संयंत्र से निष्कासित कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में प्रयोग होती है, तो मीथेन गैस के रूप में होती है। जो बायोगैस में मीथेन गैस लगभग 80% जो है कि निकलती है, और इसको स्टोर करके एक तरीके से ईंधन के प्रयोग में प्रयोग किया जाता है। मानव सदिश जो लघुतम कपी होता है वो तो गिवन होता है, लेकिन महाकपी में गोरिल्ला, चिंपैंजी और ऑरंगउटान, तो ये सभी के सभी जो है कि मानव जैसे लगने वाले महाकपी है, और लघु कपी में गिवन मैंने बता दिया। अब हम चलते हैं अपने लास्ट 2015 ईयर के PYQs को। नैनो प्लग संबंधित है किससे, एक छोटे सुनने के यंत्र से संबंधित है। मानव शरीर का तापक्रम क्या होता है, न तो घटता नहीं तो बढ़ता है, और इसीलिए इसको वार्म ब्लडेड भी कहा जाता है। क्या कहता है, वार्म ब्लडेड भी कहा जाता है। नेक्स्ट अगर हम देखें, दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है, नजदीक की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है, लेकिन निवारण के लिए इसमें अवतल लेंस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जिसको मायोपिया हो जाता है वो सामान्यतः नजदीक की वस्तुओं को तो आराम से देख लेता है, लेकिन दूर की वस्तु उसे नहीं दिखती है। अगला प्रश्न है आपका, दंत चिकित्सक जो मेडिकल में जो डॉक्टर होते हैं, जो डेंटल डॉक्टर होते हैं, उनके द्वारा जो लेंस प्रयोग किया था, दर्पण, ये अवतल दर्पण होता है जो कि एक अभिसारी दर्पण कहलाता है। जैसे सर्च लाइट और हेडलाइट में प्रयोग होता है, जैसे गाड़ियों की जो हेडलाइट होती है या सर्च लाइट जो पुलिस वगैरह यूज करती है खोजने के लिए, क्योंकि इसमें सामान्यतः ये माना जाता है कि इस लेंस में प्रकाश को फैलाने की क्षमता होती है, किसी भी चीज़ को बड़ा करके दिखाने की क्षमता होती है। इसीलिए डॉक्टर्स हमारे मुँह के अंदर क्या करते हैं, ये अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, जिससे उन्हें दांत बड़ी मात्रा में देखने को मिलते हैं, बड़े बड़े साइज में, और जिससे वो दांतों के अंदर बैठी बीमारी को आसानी से साफ कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, जंतु हार्मोन जो कि इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन होता है, पादप हार्मोन जो कि साइटोकाइनिन के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे जाइलम का मुख्य कार्य देखिए, मैंने ऊपर बता दिया था, पौधों में जल वहन करना। फ्लोएम का मुख्य कार्य पौधों में भोजन के वहन करने हेतु। और यहाँ पे अगला प्रश्न है आपका, जल की लवणता को हेलोक्लाइन दर्शाता है। बिल्कुल, अगर जल की लवणता को चेक करना है तो उसे हेलोक्लाइन कहेंगे, और स्पर्म वेल दांत वाली वेलों में विशालकाय होती है, दोनों कथन सही है। पृथ्वी पर अगर हम मृदु जल की बात करें यानी कि सॉफ्ट वाटर की, तो महासागरों में 97%, हिमानियों में 2.5%, भूमिगत जल में 0.68, झीलों में 0.01, मृदा में नमी 0.005, वायुमंडलीय नमी 0.001, और नदियों में 0.0001%, यानी नदियां सबसे कम मात्रा में पाई जाती हैं। बिल्कुल आप ये मत सोच लेना कि सबसे ज्यादा है। अब यहाँ पे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक के रूप में क्या होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड होते हैं और बेंजीन होते हैं। पायर हीलियोमीटर का प्रयोग किसे नापने के लिए किया जाता है, तो सोलर रेडिएशन को नापने के लिए किया जाता है, सौर विकिरण को किया जाता है। हैजा जल जनित बीमारी एक होती है जो कि विब्रियो कॉलरा जीवाणु से होती है। कैसे, जीवाणु से होती है।
टेट्रोप्लाजिया एक बीमारी है जिसमें दोनों हाथों और दोनों पैरों में जब लकवा लग जाता है यानी पैरालिसिस हो जाते हैं, पक्षाघात हो जाते हैं, तो इसको टेट्रोप्लाजिया कहते हैं। यानी कई बार डॉक्टर आपको बताते हैं कि आपके पेशेंट को टेट्राप्लाजिया हो गया, मतलब आपके पेशेंट के दोनों हाथ और दोनों पैरों में लकवा लग गया है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे क्यों हो जाते हैं, क्यों हम इसको खिचड़ी में, तहारी में, बिरयानी में यूज करते हैं, क्योंकि उसमें बाहुल्य होता है एमाइलेज का और इससे क्या होता है, इन चावलों का जो क्या होता है विस्तार होता है, यानी बड़े होते हैं। लौह की कमी से उत्पन्न होने वाले रोग, रक्तहीनता जिसको हम एनीमिया कहते हैं, आरबीसी की कमी हो जाती है। मानव गुर्दे की जो पथरी होती है वो क्या होती है, कैल्शियम ऑक्सीलेट की बनी होती है। लौंग क्या होता है, सूखे हुए फल होते हैं जो कि उष्णकटिबंधीय सदाबहारी वृक्ष में होते हैं। एक गिलास पानी में कितनी कैलोरी प्राप्त होती है, असल में पानी में कोई कैलोरी होती नहीं, ऊर्जा होती नहीं, शून्य होती है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में किसका प्रयोग होता है, प्लाज्मिड का होता है, जो प्लाज्मिड होता है उसका प्रयोग करके जेनेटिक इंजीनियरिंग की जाती है। आकाश का नीला रंग होता है प्रकाश के प्रकीर्णन से होता है, जिसमें सौर प्रकाश धूल कणों से टकराता है। बैंगनी रंग का प्रकीर्णन प्रसार अधिक होता है सर्वाधिक, और लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे न्यूनतम होता है क्योंकि लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है, इसीलिए रेलवे ट्रैफिक सिग्नल में लाल का प्रयोग किया जाता है ताकि ये दूरी से भी दिख जाए, क्योंकि इसका जो विक्षेपण होता है या इसका जो प्रसार होता है वो बहुत ही कम होता है। और यहाँ पे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो एल्यूमिनियम का अयस्क है। कांसा एक मिश्रित धातु है किसकी, आपने एंशिएंट हिस्ट्री में ही पढ़ा सिंधु घाटी सभ्यता में, तांबा और टिन का मिला हुआ रूप होता है कांसा। और कौन सा तना है, तो अदरक की बात करेंगे तो भूमिगत तना यानी प्रकंद जिसे कहते हैं, और जिंजीबेरेसी कुल का ये पाया जाता है, जिंजीबेरेसी कुल का ये पाया जाता है। तो यहाँ तक सारे के सारे हमने पीवाईक्यूज को कंप्लीट कर लिया, इंपॉर्टेंट ये पीवाईक्यूज थे। और अब इसके बाद आपको देखने को मिलेगा इकोनॉमिक्स और उसके बाद मिलेगा मिसलेनियस। लेकिन ध्यान देना कि हो सकता है कि अगले एक से दो दिन तक क्लास नहीं आएगी क्योंकि मैं थोड़ा आउट ऑफ स्टेशन रहूंगा, कुछ अर्जेंट काम आ गया है जिसकी वजह से आज तो ये क्लास आ गई और हो सकता है कल या परसों तक कोई क्लास ना आ पाए, तो पेशेंस रखिएगा। क्योंकि मैंने कहा है कि जब पीवाईक्यू सीरीज को शुरू कर चुका हूं मैं, तो एक आध दिन कोई इमरजेंसी आ जाती तो उस दिन रुकना पड़ता है, अदरवाइज आपको लास्ट इसका इकोनॉमिक सब्जेक्ट मिलेगा, फिर मिसलेनियस मिलेगा, फिर आरओआरओ के पीवाईक्यूज करेंगे, फिर यूपी पीसीएस मेंस पीवाईक्यूज करेंगे, फिर मॉक टेस्ट करेंगे, यूपी स्पेशल करेंगे, इकोनॉमिक घटना चेक शॉर्ट नोट्स करेंगे। ये सारी चीजें मैंने प्लानिंग में कर रखी है और सब बहुत जल्दी होगी, बिल्कुल लेट नहीं होगा। अब प्रीलिम्स मतलब एकदम लग गए हम लोग, बिल्कुल डिले नहीं करना है, और लगभग अगस्त तक मैं सारी चीजें तैयार करा दूंगा जिससे आप सितंबर और अक्टूबर में आराम से बैठकर रिवीजन करो 2 से 3 बार। और डेली टारगेट की जो सीरीज आ रही है उस पे भी अभी तक जो रिवीजन किया है आपने उसको और कंटिन्यू करते रहना है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।